देखते हुए चलते हैं और कितने क्वेश्चंस कैसे हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था एरिया पैरेललोग्राम फॉर्मड बाय द लाइन। आप इसमें एक लाइन कम दी थी, ये टाइपिंग मिस्टेक रही है, तो अभी मैं उसको दूर भी कर देता हूं। एक ये y इक्वल टू माइनस एक्स, एक y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, और एक थी y इक्वल टू केवल 4x। यस, पेपर में भी ऐसी था क्या? ठीक है, नहीं पर फाइनल एग्जाम में गलत नहीं था, अभी टाइपिंग मिस्टेक रही होगी। जो जो कैंसिल हुए होंगे वही कैंसिल करवाऊंगा। और इजी पेपर में मिस्टेक कैसे होती है धमाधम वो भी सीखोगे। सबसे ज्यादा इजी पेपर में मिस्टेक होती है, आप में से कल कई लोगों ने करी और कई बच्चों ने इसमें 800 भी स्कोर आया होगा, 900 भी आया होगा, 700 भी आया होगा, 600 भी आया होगा, सब तरह के स्कोर है, पर जिनकी मिस्टेक हुई है। तो अगर आपको 4 लाइनें दी हुई हैं, सपोज y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी टू, ये दो पैरेलल है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ये लाइन है y इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री, y इक्वल टू एम टू लिख लो यार, एम टू एक्स प्लस सी टू, नहीं सी फोर। तो क्या होता है फॉर्मूला एरिया पैरेललोग्राम? बोलो, 1/2 सी वन माइनस सी टू, ये पैरेलल लाइन के कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट का, इनटू सी थ्री माइनस सी फोर अपॉन एम वन माइनस एम टू। नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन भी बनते हैं, आपको आंसर भी निकालना आता है, पर आप जल्लेबाजी करके क्वेश्चन खराब कर लेते हैं, आंसर गलत कर लेते हैं। सबसे पहले कहीं लिखा नहीं है निमसेट में कि आपको जल्लेबाजी में पेपर करना, लिखा लिखा होता है क्या पेपर के पहले वो रूल्स में? क्वेश्चन प्लीज जल्लेबाजी में कीजिए, जब लिखा ही नहीं आराम से करिए। जल्लेबाजी में करके आप मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन एक मिनट में जल्लेबाजी में किया तो क्या हुआ? आपने -3 नंबर कम कर लिए, क्यों? और एक मिनट भी गवा दिया, उसकी जगह 2 मिनट देके मैं 12 कमा लेता वो अच्छा होता ना। तो आप सभी लोगों को बोलूंगा पेपर पेशेंस के साथ दीजिए, शांतिपूर्ण माहौल में दीजिए, खुद के माइंड में पीस होना चाहिए, और पेपर देते समय क्या स्कोर आएगा, एनआईटी मिलेगा कि नहीं, ये सारी बातें पेपर के बाद सोचिए, पेपर के समय नहीं। दो गलत त्रिची गया हाथ से, फिर दो गलत सूरत कल तो गया, फिर दो गलत इलाहाबाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं। यार कितने ड्रीम सजोए थे इलाहाबाद के, घर में पोस्टर तक लगा के रखा हुआ था, अब क्या होगा मेरा, मेरे दोस्त मेरी कितनी मजाक उड़ाएंगे, पेपर भूल गए, पेपर से बाहर निकल गए। तो आप लोग सोच लीजिए, हाँ यही सुनना था मुझे आपसे, 1/2 नहीं आएगा इस फॉर्मूले में, 1/2 नहीं आएगा। सावश सी वन माइनस सी टू इंटू सी थ्री माइनस सी फोर अपॉन एम वन माइनस एम टू, इसको ऐसे याद रखता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट पैरेलल लाइन का, डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट पैरेलल लाइन का और दोनों लाइन के स्लोप का डिफरेंस का डिवाइड करना है। तो अब अगर यहां पर आप क्वेश्चन को देखें तो पहली लाइन है y इक्वल टू 4x, इसके 4x प्लस 1 और ये है 4x केवल, राइट? और इसकी पैरेलल लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं तो 1-0 लिखूंगा, 1-0 लिखूंगा अपॉन, बोलिए, और इसको मॉड में लिखते हैं तो कितना, एक का स्लोप 4 है और एक का -1 है, तो नेट रिजल्ट आ गया 1/5। इज दैट क्लियर? अब देखिए लिमिट का क्वेश्चन है, जब भी x इक्वल टू पे कुछ दिया इसका मतलब लिमिट दिए, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया था लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1/x, आप जरा 0 रखिए, 1 की पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म है, तो e पावर 1/x 1 प्लस 2x माइनस 1, अभी किए थे ये क्वेश्चन, तो e स्क्वायर बिल्कुल सही है। तो क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी दिख रही है, जिस इस तरह के क्वेश्चन की डिफरेंशियबिलिटी मिलती नहीं, करके देख लो आप, क्या बोला आप, डिफ्रेंशिएट करके देख लो ना, वैसे भी जीरो है, y इक्वल टू ऐसा लिखते आप, क्या बोला,
हाँ लॉग लेना पड़ेगा, वाई इक्वल टू 1 प्लस 2x की पावर 1 बाय x, तो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये भी आपने अभी लेटेस्ट किया था और सब कुछ मतलब कितना बेस पे लेवल का पेपर है। देखिए तो जहां पर अपने को लगेगा अब आप इस ऐसा पेपर को कैसे हैंडल करना चाहिए वो समझ लो, ऐसा पेपर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर क्वेश्चन बन रहा है, तो हर बन रहा है क्वेश्चन तो फिर गलत होना चालू हो जाते हैं क्योंकि अपने को लगता है अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता मुझसे हर क्वेश्चन बन जाए, ये एक और मुसीबत है। करिए फटाफट मेरे साथ करते चलिए। और इस पेपर में भी आपका मैथ्स में कम से कम 550 से 550 के बीच में आना चाहिए था, सारे क्वेश्चन क्लास में किए हुए हैं, सारा क्वेश्चन मटेरियल में था। चलिए लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, एम लॉग एक्स प्लस एन लॉग वाई इक्वल टू एम प्लस एन, डायरेक्ट भी कर सकते थे एक्स प्लस वाई, और कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का लगा दो, तो एम लॉग एक्स प्लस एन लॉग वाई। आराम से करिए, एक एक स्टेप को सावधानी से लिखते हुए चलिए, जो लिख रहे हैं वो क्लियरली लिखिए नहीं तो मत लिखिए, या तो साफ सुथरा लिखो नहीं तो मत लिखो। बोलिए एम बाय एक्स माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, बोलो एन अपॉन वाई माइनस, एक बात पक्की हो गई, ये वाई ऊपर जाएगा एक्स नीचे आएगा, तो एक्स अपॉन वाई नहीं आएगा, वाई अपॉन एक्स जरूर आएगा, और वाई अपॉन एक्स एक ही ऑप्शन में, इतने में भी क्वेश्चन को क्रैक कर लिया आपने। कितनी छोटी छोटी चीजों से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, और आपको दिख रहा 3 नहीं हो सकते इसलिए 100% सही, पेपर इजी आए तो 3 ऑप्शन रिजेक्ट जरूर करते चला करो, और ऐसे पेपर मुझे पता ही आपको बन गया होगा, पर मेरे साथ एनालिसिस से बहुत सारी चीजें और भी सीखोगे इसलिए जरूरी ऐसे एनालिसिस करना। क्लियर, अब आप पूरा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लिया तो माइनस वाई अपॉन एक्स बाहर आ गया, एम इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एम प्लस एन अपॉन, बोलो एन इंटू, करो सॉल्व तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे टर्म, इसका एक्स प्लस वाई इसके एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गए। अब देखो वाई अपॉन एक्स एक ही में था इसलिए आपने वो लगा दिया। क्लियर, बिना लॉग लिए करना है इम्प्लिसिट से तो भी कर सकते हो, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल बाय डेल एक्स एक्स पावर एम बाय पावर एन का बोलो क्या होता, एम एक्स पावर, ये ऐसे ही रहता, बस ये पता होना चाहिए आपको, लॉग से थोड़ा आप ही को कंफर्ट जोन हो जाती है इसलिए मैंने लॉग लिया, करना आता तो कर सकते थे ऐसे, उसको भी कर सकते थे। डन, आज स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट, पहले पढ़िए क्या लिखा है, थ्रू द पॉइंट मतलब ऑप्शन को, इज सच दैट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस बाइसेक्टेड ए ए एंड बी होगा, देन इट्स इक्वेशन, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, दो कर रहे हैं क्या, एक ही कर रहा है ना। डन, अब देखिए वेक्टर का कितना सिंपल, ए बी एंड सी आपको दिया है, ए बी सी इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो ये तो स्केलर टेपर प्रोडक्ट है, सीधा सीधा हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस 2 1, लैम्डा -2 1 1 1, दिस शुड बी बोलो कितना 7, तो लैम्डा निकालना है, मेथड से भी कर सकते हो ऑप्शन से भी, मतलब आप
इस पेपर में कहीं पे कुछ ज्यादा था नहीं, बस कहीं संभलना था तो कोई लेंथी क्वेश्चन हो तो, और होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्चुअल पेपर और दो चार क्वेश्चन फंसाने वाले ना हो। तो अगर आपका स्कोर इसमें 500 से कम आया, क्योंकि पूरा पेपर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, पूरे पेपर के क्वेश्चन मटेरियल में अलग आए, तो कई बार आए हुए क्वेश्चन है, फिर भी अगर नहीं हो रहा तो देखो, हो गया ये सभी का करना है। क्या आंसर था? 2 माइनस ये, हाँ वैल्यू ऑफ 3 पावर 3 इंटू 3 पावर, मतलब 1/3 पावर log base 3/5। 3 पावर 3 कितना होता है? 27। और ये दोनों सेम है तो बचा क्या? मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए आप। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उससे ज्यादा और दिक्कत है। चेक करवा लेता हूं क्या दिक्कत आ रही है, एक बार आप लोग रिफ्रेश भी कर लीजिए। डन A1 A2 up to N भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन, ये शीट में, डीपीटी में, टेस्ट में कितने बार आ चुका है, और मैंने आपको बताया भी था कि आप एक वैल्यू ले लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो साइन डी का मतलब होता है, और आपने मान लो वैल्यू ले ली 2 N की, तो साइन डी अपॉन बस इतना ही बचेगा, क्यों? अगर 2 ली होती तो यही तो बचता, cosec A1, cosec बोलो A2, और साइन डी, और साइन डी मतलब A2 माइनस A1, और नीचे है क्या, sin A1 into sin, अलग अलग लिख के सॉल्व करोगे तो sin A2 cos A1 माइनस cos A2 बाय, अलग अलग डिवाइड कर दो तो cot A1 माइनस cot A2, ये नहीं हो सकता, कॉट में आंसर ही एक ही है, देखो खास बात है, कॉट में आंसर ही एक ही है, मतलब ये भी नहीं सोचना। तो A1 और An, एन को 2 माना था, तो ये आप सोचिए, ये पेपर कल जब आपके पास आया तो आपके पास भरपूर मौका था स्कोर करने का, जिनने किए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनने भी 500 से ऊपर मैथ्स में किए उन्होंने बिल्कुल सही किया, पर जिनने कम किए हैं और अभी पहले से पढ़ रहा है, उसका मतलब है कि आप लोग के पास स्कोप था, पर आपने स्कोप को अपने हाथ से जाने दिया। जिनके टॉपिक बचे उनके साथ बात नहीं कर रहा, मौका था आपके पास कल। ओके। अब देखना, आप लोग एक चीज और बताता हूँ, आप लोगों के सिलेबस में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लास्ट ईयर भी नहीं था, 22 में भी नहीं था, 21 में भी नहीं था, 20 में भी नहीं था, 23 में भी नहीं था, 24 में भी होगा कि नहीं पता नहीं, पर इनवर्स के क्वेश्चन देखना कितने हैं। एक पहले बता देता हूँ आप, 2 3 सर, एक आध और है कि यही है, चलो कितने क्वेश्चन है ना। तो अब आप में से किसी ने उस समय केस नहीं किया, आप लोग कर देना इस साल, ये ध्यान रखना कि कितने भी अभी और क्वेश्चन आए, मतलब डिफरेंशिएशन में यूज किया था नहीं, प्रॉपर इनवर्स के ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता है, मैथ्स का बेस पार्ट है। अभी तो सिंपल है, यहां कॉट लिखा है, पर यहां कॉसेक दिया, यहां टेन दिया, तो पहले इसे टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो टेन इनवर्स कितना, 3/4 + 10 इनवर्स 2/3, अब मेंटली हो जाएगा 9 + 8 17 बाय कितना 17 बाय, ऐसा हो जाएगा, सुनो पहले 9 + 8 17/12 upon 1 - 3/4 2/3, तो हो जाएगा 17/12 upon 12 - 6, तो 6/12, ये कैंसिल, तो 17/6, तो उल्टा होगा 6/17, क्योंकि बना पहले 10 है और 10 को कॉट में करोगे। आएंगे टफ नहीं, जो सिलेबस का पार्ट नहीं होता वो नॉर्मली बहुत लेंथी देते नहीं है,
ये हो गया, तो ये हो गया कॉट इनटू कॉट इनवर्स 6/17 एंड दिस इज कैंसिल, डन। तो कुछ टॉपिक नहीं भी दिए होते हैं ना, वो बेस लेवल कहलाते हैं। तो इन निमसेट में तो ट्रिग्नोमेट्री है ही पूरा, इनवर्स को हटाया उन्होंने केवल, पर इसका मतलब नहीं कि उसके क्वेश्चन नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं, क्योंकि वो कहेंगे आगे ये क्या है, कॉट है, तो इसलिए इस सब चक्कर में मत उलझना कभी। चलिए, ये वो फॉर्मूला है जो 19 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उस पर बनाया भी था मैंने, है ना, एन इंटू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर, कौन सा बी। किस तरह से क्वेश्चन पीछे आ गए होते हैं, 19 के ही क्वेश्चन है एक तरह से देखें, उसमें याद है ना डेटा दिया था, एक 400 दिया था, एक 80 कुछ दिया था, और n पूछा था जिसका आंसर आपका आया था 16। आपको केवल ये वाला फॉर्मूला यूज करना था, नहीं सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का, और इसी को बोलते हैं ग्रेटर एन जीरो। प्रूफ भी बताया था पहले, भी दोबारा बता रहा हूं, सिग्मा देख के डर मत जाना, ये तो लिमिट है, लिमिट में काय के लिए उलझना। और ध्यान रखना इसमें एन नहीं दिया है, सी मत लगा देना गलती से। चलिए, कॉस इनवर्स एक्स बाय टू प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन थ्री इक्वल टू फाइव देन 9x² माइनस 12xy कॉस 5 प्लस 4y², अगर इसको मेथड से करोगे तो 2 मिनट लेगा, बिना मेथड के करोगे तो जल्दी हो जाएगा। x और y की अगर वैल्यू 0 0 ले लें थोड़ी देर के लिए, तो कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2 और कॉस इनवर्स 0 फाइव बाई टू, तो फाइव कितना हो गया फाइव। ठीक है, अगर यहां पर फाइव फाइव रख दें तो कॉस फाइव कितना माइनस वन, पर एक्स और वाई की है ये पूरा जीरो हो गया। अब आप फाइव की जगह फाइव रखो तो कौन को ये जीरो हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं, ये जीरो हो जाएगा तो ये भी आंसर नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये दो आंसर जो बोला था वो, ये दो आंसर नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, अब एक दिक्कत है कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला, तो वैसे तो आप बता सकते हो, पर अगर मान लो आपने एक्स की जगह ले लिया कितना वन और वाई की जगह ले लिया जीरो, तो कॉस इनवर्स 1/2 बताओ कितना, प्लस कॉस इनवर्स 0 इक्वल टू 5, कॉस इनवर्स 1/2 5/3 प्लस 5/2 इक्वल टू 5, 5 कितना हो गया 5 pi/6। अब आप x और y की वैल्यू रखो, x की जगह 1 रखा तो 9, y की जगह 0, ये 0 ये 0, तो 9 आंसर होना चाहिए, वो भी प्लस का, तो ये तो माइनस का, तो ये नहीं होगा, तो आंसर इज दिस वन। अगर आप वैल्यू से कर रहे हैं दो ऑप्शन भी कम हो जाते हैं तो आपका टाइम तो बच गया, और जब पहले भी कर ये सब करवा चुका हूं आपको, क्वेश्चन पहले भी करवाया था तो यही तरीका था। फाइनल पेपर में आएगा वही जो सब कुछ आपने किया, और स्पेशली जो आपके नोट्स में होगा, जो आपके रजिस्टर में होगा, आएगा उसी से, बस आपको करना आना चाहिए। क्लियर। अब मान लो इसे मेथड से करना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये करके क्या करेंगे बताओ, क्रॉस चेक करेंगे किससे, मेथड से। पर मैं मेथड से इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि टाइम, क्योंकि देखो
जहां जैसे पेपर इजी था, नो डाउट, पर इसके क्वेश्चन का टाइम आप कहां यूटिलाइज करोगे? बचा हुआ एलआर में, एलआर से भी टाइम बचा लिया तो कहां करोगे? कंप्यूटर में, कंप्यूटर से बचा लिया तो इंग्लिश में, सभी डोमेन तो पकड़ नहीं सकते, तो आपको टाइम तो बचाना है। बाकी ये ऐसा पेपर था, इसका एलआर भी जीता, कल ही करेंगे डिस्कस भी एलआर, तो आप बता अगर इसको मेथड से करता तो क्या करता, आपको क्या क्या पता होना चाहिए था? सबसे पहले तो आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो कॉस इनवर्स एक्स वाई अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता तो देखिए क्या होता, एक्स बाय टू प्लस वाई अपॉन कॉस इनवर्स वाई अपॉन थ्री इक्वल टू थीटा या फाई, कुछ भी मान लो, फाई मान लो आपने फॉर्मूला लगाया, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वाई अपॉन टू इंटू थ्री कितना, सिक्स, माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई फोर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू फाइव, कॉस उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन सिक्स माइनस, आ रहा हूं बेटा एक्स, अब बीच में नहीं आता, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इक्वल टू कॉस फाइव। अब सुनिए ये पूरा स्क्वायर रूट में और ये नहीं है, तो इसको ट्रांसफर करते हैं, तो एक्स वाई अपॉन सिक्स, अब जितना टाइम जबकि मैं कर रहा हूं तो टाइम लग रहा है, तो आप समझ जाओ कि कहां पे आप लोगों को टाइम बचाया जा सकता था। आप लोग नहीं बचाएंगे तो आपके स्कोर कहीं ना कहीं इस इफेक्ट डालेंगे। आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब तो स्क्वायर प्रूफ होगा तो स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या आएगा, यहां पर होल स्क्वायर होगा तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस माइनस 2xy अपॉन 6 इंटू कॉस फाइव, बाद में कैंसिल कर देंगे, पहले 2ab लिख दो पूरा, प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट खत्म, और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वन एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस वाई स्क्वायर बाय नाइन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, ये इससे कैंसिल, अब ये माइनस वाले टर्म इधर ला रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस वाई स्क्वायर बाय नाइन प्लस, नहीं प्लस नहीं, माइनस एक्स वाई अपॉन थ्री कॉस फाइव इक्वल टू वन, ये कॉस स्क्वायर फाइव वहां लेगा, राइट। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, नाइन फोर जा 36, तो 36 आएगा, तो बोलो 9x² प्लस 4y² माइनस 12xy कॉस फाइव इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर फाइव, ये आपको पूछा था एग्जैक्टली, वो आ गया 36, ये पूरा मेथड। अब इसमें टाइम लगेगा और कहीं एक भी स्टेप प्लस माइनस की गड़बड़ करी तो आप रीचेक करोगे, एक पेज और भरेगा, फिर आप क्वेश्चन से ज्यादा चिंता करोगे, रफ पेज कम तो नहीं पड़ जाएंगे, वो देगा कि नहीं, अगर नहीं दिया तो मेरा क्या होगा, मेरे को तो अभी बहुत पेपर करना है, कैसे काम चलेगा? अब मान लो 22 में नहीं निकला तो 23 के लिए घर वाले नहीं मानेंगे, और फिर क्या होगा मेरा, फिर मुझे टीचर बनना पड़ेगा स्कूल का, नहीं वो पापा दुकान पे बिठा देंगे, अब सब चल रहा है दिमाग में, और 15 मिनट बाद याद आया अरे 22 का पेपर दे रहे थे हम। करिए नोट, आजा बेटा, छुप क्यों रहा ऋषि, अच्छा बेटा डन। तो ये उसका प्रॉपर मेथड हुआ, जहां पे वैल्यू लेके हो सकता है करिए वैल्यू लेके, आपका ही टाइम बचेगा। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आर 10 30 एंड 10 15, देन द वैल्यू ऑफ टू प्लस पी माइनस क्यू, सब सब क्वेश्चन करे हुए कई कई बार, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पेपर के सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट फ्यू करे हुए हो, उस पेपर में आपका 800 स्कोर क्यों नहीं आएगा, आना चाहिए, और नहीं आ रहा है मतलब आपको अपने रजिस्टर पे कमांड कम है, उसको बढ़ाइए धीरे धीरे,
अब इस अब बताओ इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 10/30 और बीटा क्या है, तो सम ऑफ रूट्स कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस पी, और अल्फा बीटा कितना क्यू, तो इसका मतलब आपसे ये पूछा है 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा क्यों। अरे पी का मतलब क्या है, पी का मतलब है मतलब माइनस को उधर ले जाओ, और क्यू का मतलब क्या है, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 माइनस इन दोनों का सम, तो 10/30 प्लस 10/15, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10/45 से कर लीजिए, 10/45 को लिखिए 10/30 प्लस 15, ज्यादा जल्दी हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 10/30, ये सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, 10/15 वैल्यू डाल के बल्कि ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो 1 ये है माइनस पी क्यों, और ये क्या है क्यू, तो 1 माइनस क्यू इक्वल टू माइनस पी, पी इधर आ गया, तो पी माइनस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 1, वो सॉरी 0, यहाँ प्लस 1 और बढ़ा दो तो इधर भी प्लस 1 बढ़ेगा, तो आंसर इज 1। ओके अब देखिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 2 दिया है, ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास के 15 मिनट बाद जो पढ़ा रहा होता हूं मैं आपको, वो यही फॉर्मूला बता रहा होता हूं कि अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर एक्स है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा, तो ये एक दिया है 2, तो ये कितना ऐड कर दिया, तो 2 कॉसेक थीटा। अब आपके अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, मान लो 5/4, तो आपके लिए बहुत चिंताजनक बात है, ये तो गलत नहीं हुआ ना किसी के, डन। ये तो मैंने 4-5 बार क्लास में करवाया आपको कम से कम, और क्योंकि इसका रिजल्ट पाई बाई टू है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है साइन इनवर्स 1 ठीक पाई बाई टू होता है, और 1 होने के लिए ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को क्या होना चाहिए, 0, यानी एक्स कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 1 0, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 और माइनस 1, ऑप्शन सी कर लोगे, 0 रखा तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, और माइनस 1 रखा तो भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखो इनवर्स सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए बहुत टफ क्वेश्चन कहां दिए, बेस लेवल के क्वेश्चन है सारे, 2-3 जो दिए, 3 दिए। नेक्स्ट, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली डेफिनेट पढ़ोगे जब बताऊंगा, पर ये बहुत सिंपल है इसलिए अभी बता देता हूं। ए लेस देन बी, तो ए को मान लो क्या 1, तो बी को क्या मान सकते हो 2, पर 1 और 2 में दो आंसर सेम तो नहीं है, देख लो, क्योंकि 2 माइनस 1 1/2 ही आएगा, नहीं है, दो आंसर सेम नहीं है ना, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ऐसा ही है, बोलो 1 to 2, 1 प्लस मॉड एक्स माइनस, इसको अलग अलग लिख लो, 1 से 2 मॉड एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 to 2 मॉड एक्स माइनस 2 डी एक्स। अब 1 के बाद और 2 के पहले इसमें कुछ भी रखो पॉजिटिव होगा, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन आएगा, और ऐसा लिखोगे 1 to 2, 1 के बाद और 2 के पहले कोई भी नंबर रखो तो इसके आगे निगेटिव आएगा, मॉड का नीचे जब पढ़ोगे तो समझाऊंगा, जिसको पता उसके लिए बता रहा हूं, सबके लिए नहीं बता रहा हूं, बस खत्म, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन सेम होगा, इसका बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स, 1 to 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x, 1 to 2 रखिए, 2 रखिए, 4/2 2 2 माइनस 2 0,
अब वन रखो, वन बाय टू माइनस वन, माइनस वन बाय टू तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर भी है। वन रखोगे तो वन बाय टू माइनस वन, तो माइनस वन बाय टू और इसका स्क्वायर, अच्छा लिमिट है सॉरी, तो कितना वन बाय टू, ठीक है। अब यहां आ जाओ, टू रखिए तो फोर बाय टू, तो माइनस टू मिला, और वन रखिए वन बाय टू माइनस टू, तो माइनस थ्री बाय टू, तो माइनस माइनस प्लस थ्री बाय टू, बोलना वन बाय टू आएगा माइनस का, ये तो दोनों मिला के वन। अब वन देखो कौन दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है, नहीं दे रहा है, बी दे रहा है, नहीं बी नहीं दे रहा है, सी दे रहा है। ए बी में करोगे तो थोड़ा उलझ सकते हैं, ये ऐसा पेपर था जिसमें 40 के ऊपर राइट अटेम्प्ट होना चाहिए अगर पहले से पढ़ रहे हो, और ऑल आर राइट होना चाहिए, रॉन्ग का कोई स्कोप ही नहीं था, सारे क्वेश्चन करे हुए थे, करे हुए क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हो जाते हैं आप लोगों का, ये सोचिए जरा आप। ओके अब देखिए, ए दिया है एंड बी इज अनदर वेक्टर सच दैट, ए वेक्टर कितना दिया बेटा, टू आई प्लस टू जे प्लस के, बी वेक्टर ऐसा जो बताना है, पर ये पता ए डॉट बी कितना है 14, और ए क्रॉस बी कितना बेटा। अब सुनो, पहला तरीका तो ये कि हम सबसे पहले ऑप्शन से देखें, मान लो ऑप्शन में ये बी ऑप्शन ये है, तो 10 प्लस 2 प्लस 2 कितना है 14, ये तो हो सकता है, इसको आओ तो इसमें माइनस टू है तो ये नहीं हो सकता, इसमें ये भी नहीं हो सकता, ये मान लो दो होते कोई बात नहीं, हमें अगली कंडीशन भी तो दी हुई है, सारी प्रॉब्लम 23 में हुई थी, ऐसा पेपर दिमाग में रख के गए थे। मैं आपको बोलूंगा दिमाग में रख के जाना तो ये कि मुझे मैथ्स आती है और जो मुझे आता है मैं वही करूंगा, पेपर कैसा भी आ जाए, किसी भी लेवल का स्ट्रेस वाला पेपर है तो 2 मिनट रुक के करूंगा, नॉन स्ट्रेस वाला पेपर है तो 3 मिनट रुक के करूंगा, बिकॉज नॉन स्ट्रेस वाला मतलब ऐसा है तो केयरफुल होके करना है, रोड खाली है तो अलर्ट हो जाओ, लोग खाली रोड पे ही सोते हैं इसलिए दुर्घटना कर लेते हैं, और भरी रोड पे जाग रहे होते हैं वहां तो सभी जागे हैं, सो भी जाओगे तो कोई ना कोई बचा लेगा, देख लेना आप कभी भीड़ वाली रोड पे जा रहे हो तो आप आड़ी टेढ़ी तो लोग टोक देते, भैया जरा ध्यान से देख के चलाओ या देख के चलो, तो आपको टोकने वाले लोग मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा, और मान लो कुछ हो भी तो इतने लोग रहते हैं कि आपको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे, है ना। फोर्टीन जिनको समझ में नहीं आया वो डेफिनेट पढ़ के समझेंगे, डेफिनेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, अभी वो चीज पढ़ाने के बाद बताऊंगा। चलो नेक्स्ट, ये क्लियर है यहां तक, चलिए अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है, लेट ए बी द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये दो लाइनें दी हैं, पहली लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अनदर लाइन, दो अलग लाइन है जो कि एक लाइन है कितनी 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, 8x माइनस 6y प्लस इनके बीच का डिस्टेंस b है, तो इनके बीच का रिलेशन बताना है, बड़ा सिंपल है, पैरेलल लाइन का डिस्टेंस बताना है, और आपको याद होगा पैरेलल लाइन का डिस्टेंस होता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, याद है ना, ठीक है। तो आप बताओ क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस देखोगे तो 2 और 2 4 अपॉन रूट 5, रूट 5 एक ही में है, ध्यान दो, तो कहीं और है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आंसर होगा ए।
आप पेपर से बाहर निकल के एनालिसिस कर रहे हैं, ये तरीका है, आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। तो रूट फाइव से पता चल गया। अब इन दोनों के लिए इसमें टू का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x-6y, इनका बीच का डिस्टेंस बी बोलो कितना, 11/10, तो ये आ गया डी और ये आ गया बी। तो इन दोनों के बीच, ये ए है ये बी है, इन दोनों का रिलेशन। अब देखो ये लिखा जैसे 40b, तो 40 × b की जगह रख दो 11/10, 11√5, ए की जगह रख दो रूट, ये देखो ये 44, ये कैंसिल 44, ए और बी। पर आप पहले ही आंसर दे चुके थे और एक्यूरेट दे चुके थे, आएगा करो तो। आप पता क्या करो, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, अभी आप लोगों के कम से कम मैं 50 टेस्ट लूंगा, आप हर टेस्ट को इस माइंड से दो कि ये मेरा फाइनल पेपर है, मैं करूंगा तो ऐसे ही, और करना पड़ा, बल्कि फाइनल से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फाइनल पेपर के पहले आपका माइंडसेट कि मैं वो करना चालू करो, आप धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आता। आप इसको ऐसे सोचो कि जिस दिन पहली बार आपने टू व्हीलर कोई गाड़ी चलाना की चालू की थी, मैं मान ही नहीं सकता कोई कि पहली बार एकदम आपने 80 की स्पीड में चलाई, हाथ भी डुगडुगा रहे थे, डरे भी थे गिर जाएंगे तो टांग ना टूट जाए, ये सब दिमाग में चल रहा था। पर वो चलाते चलाते आप 40-50 पेपर में एक्सपेरिमेंट ये करो जो एक्यूरेसी वाले, बाकी नहीं, देखना आएगा 100% आएगा, क्योंकि हमें टॉप करना है तो टॉप वाले तरीके से सोचना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो आप करना कोशिश चालू करो, होगा क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट द एरिया, अब जैसे ये है, ये कई बार करा हुआ क्वेश्चन है, मार्ट हटाया तो ये आ गया, आपने वन वाला किया ये टू वाला, ये भी टू ये भी टू, तो एरिया हो गया हाफ 2 × 2, तो एक पार्ट का एरिया टू, तो ऐसे चार पार्ट, तो कितना 8। बहुत ही स्मूथ पेपर था ये, बहुत ही, कुछ था नहीं इसमें। ओके इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बोला है पीएथ टर्म क्या है, क्यू, क्यूएथ टर्म क्या है पी, तो एपी का पीएथ टर्म होगा 1/q, क्यू एपी का क्यूएथ टर्म होगा 1/p, और आपने पढ़ा पी क्यू टर्म क्या होता है 1, ये स्टैंडर्ड है, इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए थे, ये आपने एपी में पढ़ा था ना बेटा, पीएथ टर्म 1/q, क्यूएथ टर्म 1/p, देन पी क्यू टर्म इज 1, एक और पढ़ा था आपने ऐसा, पी टर्म इज क्यू, एपी के लिए था क्यू टर्म इज पी, देन पी प्लस क्यू टर्म 0, और एनएट टर्म पी प्लस क्यू माइनस एन, कितना याद रहता है सब बातें डिपेंड करती है। टेस्ट में कुछ गलत प्रिंट था क्या था? हाँ तो टेस्ट में कैंसिल हो जाएगा अगर ऐसा दिया था तो, पर बहुत कम लोग हैं जो सही पढ़ पाएंगे, उनने वही पढ़ा होगा जो पहले कभी सुना और पढ़ा होता है, तो ये खास बात है, अच्छा है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी, ओके, सपोज देयर इज द टेम्परेचर एट अ पॉइंट एक्स वाई ऑन अ मेटल प्लेट, ठीक है, एक्स वाई 4x² - 4। अब देखो ये जैसे हटके क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है मिक्स विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अभी करवा भी दूंगा, बट आपको पेपर में हटके लगाना क्या करना चाहिए था, कितने नंबर पे आया सोचिए आप, 18 क्वेश्चन कंफर्टेबल कर गए आप, है ना। अब बाद में एनालिसिस के बाद भी आप इस क्वेश्चन के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ तो ये 18 का पीछे क्या होगा ये सोचो, तो ये समझना आपको, ये वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो अभी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, यानी ये पहला क्वेश्चन मिला मुझे अभी तक का जो सर्कल के बाहर का मानता हूं, फर्स्ट लिख लेना आप, आउटसाइड द सर्कल, और इस बार तो ऐसा हो गया, वैसे मैं बोलता था इतना इतना आता है इतना पढ़ाता हूं, पर ये पेपर ऐसा था, इतना आया था इतना पढ़ा था, जरा से तो था इसका, पूरा पेपर बेस था,
पर बाहर के कितने थे तो लिखना आउटसाइड द सर्कल क्वेश्चन नंबर वन। ये देखिए जरा, कट एट राइट एंगल, देन अगर ये राइट एंगल पे कट कर रहा है तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस वन, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रहेगा। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसे भी सर्कल के बाहर डाल दो, दो क्वेश्चन होगा, ठीक, दो क्वेश्चन होगा, अभी एंड में आएंगे इस पे। चलिए नेक्स्ट, एक वेक्टर में ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू एक, अब इसमें बताओ बाहर कौन से दो वेक्टर है, ए सी, तो रिलेशन ए सी का ही निकलेगा, बाकी वैल्यू ले ही सकते, तो ए एंड सी आर, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, दोनों यही माने थे ना उन्होंने इस साल 22 के पेपर में, दो जिसके दो आंसर करेक्ट थे दो माने थे, इसलिए चेंज नहीं किया, यही ऐसे ही आया था, तो दोनों कंसीडर कर लिया था उन्होंने, करना कैसे है वो भी बताया था। सुनिए, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट सीखा आपने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बताओ क्या होता है, दूर वाला मल्टीप्लाई, ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी डॉट सी इंटू ए, है ना बेटा, और अगर ऐसा दिया हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो क्या होगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, यस और नो, तो आप अगर मैं इसको करूं तो बताओ क्या होगा, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वैक्टर इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट सी इंटू ए डॉट सी इंटू बी ए डॉट बी सॉरी ए डॉट बी इंटू बोलो सी। अब ए डॉट सी बी से ए डॉट सी बी कैंसिल, माइनस से माइनस, अच्छा बी कैंसिल, बी डॉट सी एक स्केलर है, तो लेमडा ए वैक्टर इक्वल टू म्यू सी वैक्टर, और दो वैक्टर इक्वल लिखे हैं तो इसका मतलब कॉलिनियर पैरेलल होते हैं, तो ए वैक्टर पैरेलल टू सी वैक्टर या कॉलिनियर एक ही बात है वैक्टर, क्लियर, तो याद रखना वैक्टर में कॉलिनियर पैरेलल बोथ आर सेम थिंग, इसमें मत अड़ जाना कि कॉलिनियर क्यों वेक्टर क्यों वो पैरेलल क्यों नहीं या पैरेलल क्यों कॉलिनियर क्यों नहीं, वेक्टर में यही यूनिक चीज होती है। और इस पेपर में करीब दो या तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनके दो आंसर कंसीडर किए थे, तो अगर आपको कभी ऐसा हो जाए जो हुआ ही आपके आंखों के सामने ही, तो आप कोई भी लगा दें, वैसे लॉजिकली अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर में होते हैं उसको लगाना चाहिए, पर आपको मान लो नहीं दिखा यही दिखा कोई बात नहीं, नंबर दोनों केस में मिलने वाले हैं पूरे पूरे। अच्छा आप कुछ बच्चों ने सोचा रहे इसके तो दो ऑप्शन सेम है कैंसिल होगा, मार्क ही नहीं किया, ऐसे थे कुछ, तो फिर आपका नंबर चला गया, तो मार्क जरूर करना, क्योंकि मार्किंग वाले को मिले ना, नॉन मार्किंग वाले को कुछ नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम थ्री पॉइंट कॉलिनियर ए बी सी ऑन अ रोड लेन टू द फुट ऑफ टावर आर 30, 48, 60 रिस्पेक्टिवली, रेशो पूछा, ये भी मैंने आपको हाइट एंड स्ट्रेंथ के साथ करवाया वो क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, इसलिए हम इसको अभी सेकंड राउंड में करेंगे, तेजी पेपर में कोई भी थोड़ा भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपका स्कोर डाउन हो जाएगा ओवरऑल में बाद में। चलो पर ये सर्कल के बाहर का नहीं है, ठीक है, फिर अभी पर छोड़ा हुआ। चलो अब लिखो क्या लिखा है यहां पर, ए बी सी बी डिस्टेंट नॉन निगेटिव नंबर इफ द वेक्टर इन अ प्लेन देन, अब ये अगर एक प्लेन में है तो प्लेन में है तो इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, यानी ऐसा वाला, तो बोलो क्या हो जाएगा, ए ए सी आई जे के आई जे के सी सी बी दिस शुड बी जीरो, तो आपको रिलेशन बताना है, ठीक है, तो ए के साथ करो तो जीरो माइनस सी, प्लस इस ए के साथ करो तो सी माइनस बी, प्लस सी के साथ करो तो केवल सी, है ना, तो माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी से ए सी कैंसिल, सी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो ए ए सी बी किस में होंगे, तो जीपी में कहाँ है,
द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। सी पूछा है तो सी ज्योमेट्रिक मीन है किसका? ए बी का। अच्छा 19 जैसा पेपर होता ना, ये क्वेश्चन पहले राउंड में ही कर लेते। क्यों? क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन लेंथ मतलब आपको समझना है कि कब किस समय क्या करना है बहुत। और ये सब जितने टेस्ट हो रहे हैं अभी आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रांग अच्छे टेस्ट मिलेंगे आपको, आपको ये सब करना पड़ेगा। और जब तक यहां नहीं करोगे वहां नहीं कर पाओगे। ओके डन। नेक्स्ट, देयर आर टू सेट ए एंड बी। ए दिया है एम, ठीक है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट नंबर बी एन दिया है। पी ए माइनस पी बी 112, देन चूज द रॉन्ग ऑप्शन। क्या हाँ, तो ये क्वेश्चन के दो आंसर रॉन्ग थे ना, तो एक क्वेश्चन को कैंसिल कुछ किया था उन्होंने। सुनो पहले, अब 112 तो एक सेट में एम प्लस एन 11 है, जैसे तो मान लो एम है 8, एन है मान लो 3, तो 2 की पावर 8 नहीं सॉरी 7 और 4, तो 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 4 होता है 16, और इसका डिफरेंस 112। अच्छा ये मॉड में दिया है तो इंटरचेंज भी हो सकते थे कि नहीं? हाँ नहीं, दोनों का एब्सोल्यूट लिखा हुआ उन्होंने, मतलब इन दोनों का डिफरेंस है वो, तो एक चीज हो गई, तो एम प्लस एन 11 होना चाहिए, ये ट्रू है, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पूछा है कौन सा रॉन्ग है। अब इस पे आओ तो 2m यही रॉन्ग है। अभी सुन लो, 2n 8 माइनस 7 1 ये करेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा। 3n 12 माइनस 7 5 होना चाहिए था, तो दो तो दोनों आंसर कंसीडर किए थे। बोलते ना, तीन क्वेश्चन थे जिनके दो आंसर माने थे उन्होंने, उस उन्होंने ऐसे रिजल्ट सी ऑब्लिक डी, जिसने सी लगाया वो भी राजा, जिसने डी लगाया वो भी राजा, जिसने छोड़ा बोलने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ जाओ। बाकी यहां पे 10 होता तो ऐसे ही हो जाता 14 माइनस 4, तो जो दिया है वो आपने क्या लगाया था, सी या डी, तो आपके आंसर काउंट हो जाएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन थे इस पेपर में, पहली बार ऐसा किया था कि दो क्वेश्चन के मतलब एक ही क्वेश्चन के दो आंसर कंसीडर कर लिए, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि क्वेश्चन गलत नहीं था, जिसने सी लगाया वो भी अपनी जगह सही था, जिसने डी लगाया वो भी सही था, जो होशियार थे कि ये तो दो आंसर दिए कैंसिल होगा छोड़ दिया था वो, कम से कम का ऐसे होशियार काम के नहीं है, इनको अगले साल के लिए तैयार करते हैं। डन। और क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 38, ठीक है, एन इक्वल टू 25, इसका मीन है 38, इट वॉज लेटर डिस्कवर 23 एंड 38 वर मिसरीड एज, ये सही थे जिनको मिसरीड किया 25 एंड, तो दोनों का डिफरेंस कितना देखना, नहीं दोनों का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, मतलब गलत तो सही में, तो जो मीन पहले था वही मीन बाद में रहेगा। क्लियर? और इसमें ये कैसे पता चलेगा कि m को 7 लेना है, n को 4 लेना है, बताओ, क्योंकि एब्सोल्यूट बोला है वहां पर,
कोऑर्डिनेटली नंबर लेना ऐसे कि 112 आ जाए, तो अगर m को 6 लिया तो 2 की पावर 6 ही मिलेगा, तो 7 लिया इसलिए। और फिर डिफरेंस देखो जो कि 112 आ जाए, तो थोड़ा हिट एंड ट्राई लगेंगे, दो तीन बार में हो जाएगा ये डन। जब भी मिसरीड में और करेक्टेड में जीरो का डिफरेंस हो तो मीन वही की वही रहेगा। नेक्स्ट देयर आर टू सर्कल इन एक्स वाई प्लेन हुज इक्वेशन आर पॉइंट एक्स वाई चूजन रेंडम इन साइड द लार्जर सर्कल देन द प्रॉपर्टी दैट द पॉइंट हैज बीन टेकन फ्रॉम स्मॉलर सर्कल। करिए सिंपल क्वेश्चन, पर ये आप में से किसी के लिए आउटसाइड द सर्कल हो सकता था, किसी के लिए, तो इसको मैं 50-50 बोलूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, आउटसाइड सर्कल इनसाइड सर्कल, क्वेश्चन भी वैसे ही है, इनसाइड की बात कर रहे हैं। हो गया, और इस तरह का क्वेश्चन हमने मॉक में करा हुआ पहले भी। अब देखिए पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, क्वेश्चन टफ नहीं इसलिए मैंने कहा आउटसाइड सर्कल मत देना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जीरो सॉरी 0,1 है और रेडियस भी 1 यूनिट है। फिर एक और सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस सर्कल का भी सेंटर 0,1 है पर इसका रेडियस क्या है 2 है, तो दोनों के सेंटर सेम है, तो एक बात पता चल गई, ये वाला सर्कल छोटा हो गया 0,1 और रेडियस है 1 यूनिट, और ये सर्कल हो गया बड़ा, सेंटर वही है पर रेडियस कितना है 2 यूनिट। क्वेश्चन खत्म। इस सर्कल का अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा, इस सर्कल का एरिया बोलो क्या होगा, अंदर वाले सर्कल को स्मॉलर बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई, आउटर सर्कल को एस ओ लिख देते हैं पाई इंटू टू का स्क्वायर। बोलो अब क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया, पॉइंट इज चूजन रेंडम इन साइड द लार्ज सर्कल, जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर का एक पॉइंट लिया, मतलब 4π में से लिया है ना, देन द प्रॉपर्टी दैट द पॉइंट हैज बीन टेकन फ्रॉम, पर पॉइंट स्मॉलर का तो स्मॉलर अंदर है, तो कितना उसका एरिया पाई, तो पाई अपॉन 4π यानी 1/4। दी गई चीज ऊपर, टोटल केस नीचे, और अगर आउटर सर्कल का ही पॉइंट की प्रोबेबिलिटी बोलते तो 1 - 1/4 3/4 हो जाता, एक इसलिए 3/4 दिया नहीं ऑप्शन में, खैर दिया होता तो नोट करिए। डन, ये क्वेश्चन सिंपल था, इसको आप आउटसाइड सर्कल में ले नहीं जा सकते। नेक्स्ट, ये इंटीग्रल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा, ऑप्शन देख के काफी कुछ पिक्चर क्लियर हो रही होगी, ये टाइप ऑफ इंटीग्रल है। जब कभी भी अंडर रूट के अंदर कुछ दिया होता है इंटीग्रल के, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो इसको टी स्क्वायर मानते हैं और इसका बाकी जगह डिफरेंशिएशन होता है, पर जो फॉर्मेट है उसको देखो तो सबसे पहले एक्स की पावर 4 सबसे बड़ा है, कॉमन निकालिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपने एक्स पावर 4 बाहर निकाला तो एक्स पावर कितना 5, अंदर बोलो कितना 2 माइनस 2 बाय प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, शाबाश। ध्यान से समझिए, जिनको आता जिनको नहीं आता वो बाद में सीख लेंगे। तो अब इस पूरे को मानो t, तो 2 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 को माना आपने t, इसका करो डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर इक्वल टू डी टी बाय माइनस 4, बाहर भी निकल लिख सकते हो, यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सॉरी, तो आप लिख सकते हो 4 बार, तो 1 अपॉन बोलो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर डी एक्स इक्वल टू बोलो, बीच में माइनस आएगा। अब सुनिए, इस एक्स पावर 5 का डिवाइड करो तो आपको देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 5 मिला। इस इंटीग्रल बहुत स्टाइलिश फॉर्म में दी होती है, क्योंकि उसको आपको जितना अभी पढ़ोगे तो मजा आएगा, तो इसको आपने टी माना तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो 1/4 बाहर आएगा और डी टी बाय रूट टी, रूट टी का 2√t होता है, तो 1/4 2√t, तो पहले तो 1/2 √t, तो 1/2 किसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है,
ये दो ऑप्शन खत्म, 1/2 इसी में, और बाद में टी की वैल्यू डालोगे ऑब्वियसली। और ऐसे क्वेश्चन के आंसर नन नहीं होते, चाहे एक्चुअल पेपर हो चाहे नॉन एक्चुअल, आप देख लो हमेशा जब आप दो रिजेक्ट कर रहे होते हो। हाँ ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, बट ये तरीका इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि पहले तो तीन ऑप्शन को डिफरेंशिएट करना और डिफरेंशिएट करके इंटीग्रल फॉर्म में बनाना काफी टाइम टेकिंग, और सोचो थोड़ी देर के लिए ये अगर डेफिनेट का होता तो सब फेल हो जाता। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ वो तो लास्ट ऑप्शन है, कुछ नहीं हो रहा हो तो करो, नहीं तो मेथड से इंटीग्रल के क्वेश्चन मेथड से ही करो, अनलेस एंड अंटिल हो ही नहीं रहा है देन गो फॉर ऑप्शन डिफरेंशिएट, जिसके चांसेस 10% ही होते हैं। और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी कि कब क्या करना है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया और इंडेफिनेट नहीं पढ़ा है तो अभी आप इसको नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, जैसे अभी ये सर्कल, अब मैंने इसका सेंटर 0 1 लिखा और आपको रेडियस 1 लिखा, और आप पूछ रहे हो कि सर सेंटर कैसे और रेडियस कैसे लिखा है, मान लो तो इसका मतलब है अभी आपको सर्कल का बेसिक नहीं आता नीट, कि आप पहले उसे पढ़ें फिर इस क्वेश्चन को समझें, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बाद में, पहले किसका है सर्कल का सेंटर रेडियस सही निकालने का काम है। ये मिक्स क्वेश्चन है, इंटरकनेक्टेड है, तो ये चीजें भी समझनी पड़ेंगी आपको अगर किस समय क्या नहीं आता तो। मान लो एक सेवा ये आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनसे मैं बता पाता हूं कि क्या चीज नहीं आने पे आपको क्या पढ़ना है। डन, नेक्स्ट। देखिए पीए भी 0 से 1 है, पीबी भी 0 से 1 है, जनरल क्वेश्चन है। PA इंटरसेक्शन PA इंटू PB मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट दिया, तो इसमें बताना है कौन सा रिलेशन सही है। तो ये तो रिलेशन गलत है, BY ये कॉम्प्लीमेंट भी गलत है, ये देखो। और देखो एक बात समझना, ये अगर सही है तो ये भी सही है, तो इसलिए दोनों गलत है। सीखा आपने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये सही हो सकता है क्योंकि पढ़ा आपने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 - P, और ये 1 - P यूनियन B लिखा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यही आता है। और इसको सॉल्व करते हो तो 1 - मतलब PA कॉम्प्लीमेंट इनटू, तो C इज अ राइट आंसर। बहुत ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके मूव, इस तरह के क्वेश्चन याद करो, 0 लेवल शीट में भी थी, अभी देखा हुआ लग रहा कहीं। अच्छा हाँ, वो लिमिट की जो PQ थी उसमें था, इसलिए बोलता हूं ना कि आपने कहां पे कई बार देखे कैसे होते हैं वो समझो। क्या था आंसर? डी दिल्ली, नौ, क्योंकि cos 0 1 हो जाता है। बी ऐसे होता है कि 1/x e^(1/x) दिया है, ठीक है, तो 1/x e^(1/x), तो पहले बताओ 1/∞ क्या होता है, 1/∞, 1/∞ लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी 1/x कित, सॉरी लिमिट x टेंस टू 0, 1/x कितना, इंफिनिटी, ठीक है, और यहां पर दिया है e^(1/x). अब e^(1/x) मतलब 1/0, तो e^∞ कितना होता है, इंफिनिटी, और 1/∞ कितना होगा, 0, इसलिए लिखा हुआ। वो फंक्शन उसको देखेंगे वहां पे, e^(1/x) को, क्योंकि इसको ऐसे सोचना पड़ता है।
कि ये जीरो प्लस है तो ये तो कुछ होगा जीरो पॉइंट समथिंग, पर ये वन बाय है तो अपॉन में बहुत छोटी वैल्यू चली जाएगी जिससे इंफिनिटी की तरफ जाएगा। इन दोनों में ऐसे देखना पड़ता है, आपको जीरो प्लस एच के लिए देखना, ध्यान रखना, तो आप ऐसे लिखते हो तो इसकी वैल्यू जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रही है। और ये सीधा सीधा दिख रहा है ना, इतना उलझना नहीं था। आप बताओ इस, अभी सब छोड़ दो, आप बताओ ये इस क्वेश्चन कितना सिंपल है, कॉस जीरो कितना होता है और ये जीरो, तो वन आना चाहिए, जहां सिंपल दिख रहा है वहां मत उलझो इतना। नेक्स्ट, अ फोर डिजिट नंबर इज फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, द प्रॉपर्टी दैट डिविजिबल बाय 5 विदाउट रिपीटेशन बोला है। पहले बताओ कितने डिजिट का नंबर, तो टोटल केस कितने होंगे, 5 4 3 2, क्योंकि 1 2 3 4 5 से बनना है। डिविजिबल बाय 3 का रूल पता है ना, नंबर का सम डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए। पहले इसको ऐड करो, 9 प्लस 12 15, तो एक नंबर छोड़ सकते हो। कौन कौन से छोड़ोगे वो देख लो, एक ही छोड़ सकते हो, वो 3 है बाई चांस, तो 4 3 2 1। अब ये दुआ करने मत चालू कर देना, काश 22 जैसा हमें मिल जाए, काश 22 जैसा हमें मिल जाए, 23 वाला 25 को मिल जाए। नेक्स्ट, अब देखो आपसे पूछा कॉस इनवर्स माइनस एक्स, क्या क्या नहीं पूछ सकते आपसे, ये कितनी, ये चौथा क्वेश्चन है इनवर्स का। इनवर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स नहीं छोड़ना है किसी को भी, इनवर्स के बिना कैलकुलस में वैसे ही कमांड नहीं आता ना। ओके, नेक्स्ट, ये भी कई बार किया, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ए एन क्या दिया है, देन द अर्थमेटिक मीन, आपसे पूछा अर्थमेटिक मीन मतलब इन दोनों का, ए एन माइनस वन प्लस ए एन बाय टू आपसे पूछा है, क्या कर सकते हो, एन की वैल्यू टू ले लो, चाहो तो टू लोगे तो ए स्क्वायर, ए टू कितना, एन की वैल्यू वन कितनी, एन की वैल्यू अगर टू रखोगे तो ए टू कितना, एक मिनट, ठीक है ना, यहां पे टू रखा तो कितना वन, और यहां पर रखा ए टू बाय टू, अब देखना है किसके इक्वल है। हाँ भाई, अभी हमको करना क्या है, अब एक बार बताओ ए एन तो यही दिया हुआ है, दिया ना, तो ए एन के टर्म में तो नहीं आएगा, ये होना चाहिए। करो करो पूरा करो, फिर इसका एक और तरीका भी बता दो। तो पहले बताओ ए वन कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, और ए टू कितना होगा, यस और नो, अपॉन टू,
यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले तो जिस फॉर्मेट में दिया उसमें ही समझा दूंगा। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, अल्फा प्लस बीटा बोलो कितना, वन, और अल्फा बीटा बोलो माइनस वन, अल्फा पावर एन माइनस वन इंटू इसमें से बोलो यस और नो। नहीं, इसका एक और तरीका मैंने करा हुआ था पहले, क्या हाँ उस वो तो देखो, अगर आपने एन की वैल्यू ले ली, चलो उससे करते हैं अभी, वो बाद में बताऊंगा तरीका। एन की वैल्यू मान लो आपने ली सपोज टू, तो ये मिला ए वन और ये मिला ए टू बाय टू। ए वन मतलब है अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बाय टू। अब सुनो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फा प्लस बीटा का माइनस टू अल्फा बीटा, आप इसमें रख दो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, तो वन माइनस टू माइनस वन तो कितना थ्री, यहां बोलो कितना वन प्लस थ्री बाय टू तो कितना आ गया टू। अब आपसे अगर मैं बोलूं कि ए एन प्लस वन मतलब ए थ्री, ए थ्री मतलब अल्फा क्यूब प्लस, जिसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोलो वन माइनस थ्री प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया फोर, और फोर बाय टू कितना होता है टू, तो ये आ गया आंसर। ठीक, इसकी एक ट्रिक बाद में और बताऊंगा। ठीक, इतना बढ़ाना नहीं, तो एन की वैल्यू वन लेके भी कर सकते हैं, पर वैसे इसके ऑप्शन रिजेक्शन तरीका आ गया था, एन माइनस वन और एन पूछा है, तो आंसर में एन और एन आ ही नहीं सकता, एन और एन माइनस वन। ठीक है, अब मान लो आप इसको एन की वैल्यू वन लेते तो कैसे करते, सुन लो, एन की वैल्यू अगर आप वन लेते तो आपको ए जीरो प्लस ए वन बाय टू बताना, ए जीरो मतलब अल्फा की पावर जीरो बीटा की पावर जीरो, तो अल्फा पावर जीरो बीटा पावर जीरो कितना टू, ए वन मतलब अल्फा प्लस बीटा जो कि है वन। ठीक है, तो ए जीरो की वैल्यू रख दी कितनी टू प्लस वन बाय टू कितना थ्री बाय टू। अब यह बताओ वन बाय टू ए टू कितना आएगा, तो वन बाय टू ए टू मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस, अभी करा आपने सॉल्व, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा एंड दिस इज थ्री, इतना छोटा भी कर सकते थे। डन, कर लीजिए नोट, पर थोड़ा सा टाइम लगा होगा जिसको भी, अगर एक दो स्टेप क्या लग रहा है तो बाद में सेकंड राउंड में कर लो। ठीक, एक न्यूटन फॉर्मूला होता है उससे भी करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो ऐसे पांच छह क्वेश्चन एक साथ निकलवा के करवाऊंगा आपको आगे कभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसमें पूछा है कि डिविजिबल बाय एक्स वाई, डिविजिबल बाय एक्स बट नॉट बाय बाय। एक बात सुनो, ये क्वेश्चन में सिमिट्री तो दिखी रही है, और अगर आप इसको इससे सेपरेट कर दोगे तो क्या होगा बताओ, वन ये जीरो, वन यहां बोलो ये भी वन और ये जीरो यहां बोलो, और जब सॉल्व करोगे तो वन इंटू वन प्लस एक्स वन प्लस वाई, तो किससे डिवाइड होगा, जो रिजल्ट है उसी से डिवाइड होगा। अगर यहां वन वन लिखा होता तो ऑप्शन ए होता, मूव इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल, हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल बोला ना, इफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू वन थर्ड द टेंजेंट ऑफ सम ऑफ द एंगल्स ए प्लस, हाँ हाफ आना चाहिए था, देन द रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड, यहां बाय टू आना चाहिए था जब फॉर्मूला बनता है, वो मिसिंग है। द वन थर्ड ऑफ द टेंजेंट ऑफ सम ऑफ द एंगल द रेशियो ऑफ,
जैसे वहां हाफ है ना, वैसे मिसिंग था। अभी के लिए करेक्शन कर लीजिए। इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ द टेंजेंट ऑफ हाफ द डिफरेंस ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू वन थर्ड द टेंजेंट ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ हाफ होना चाहिए था वहां पर, देन द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ अपोजिट टू द एंगल। मतलब ए और बी का रेशियो पूछा आपसे। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सही कर लीजिए, आगे के लिए कर लेना, अभी तो कैंसिल हो जाएगा। ए बाय भी पूछा ना, ए और बी के टर्म में, तो ये तो टेंजेंट लॉ है। टेन ए प्लस बी बाय टू को क्या लिख सकते हो बताओ? वन बाय थ्री कॉट सी बाय टू, कॉट सी बाय टू यहां गया तो ये हो गया टेन ए माइनस बी बाय टू इन टू टेन, दिस इज वन बाय थ्री। ये टेंजेंट लॉ है, ये होता है ए माइनस बी अपॉन दिस इज वन बाय थ्री, तो थ्री ए माइनस थ्री बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो टू ए इक्वल टू फोर बी, तो ए बाय बी हो गया फोर इज टू टू यानी टू इज टू वन, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ये था, करेक्शन था, नो डाउट, बिना उसके हो ही नहीं सकता। पर अब मुझे देखना पड़ेगा, इसका मुझे ध्यान नहीं है कि पेपर में क्या था, कुछ का ध्यान है तो बता दिया मैंने, यही था कि हम ना मतलब किस एंड पे टाइपिंग मिस्टेक है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइड, ठीक है वॉल्यूम पूछा है, टू थ्री फोर वन अल्फा टू वन टू अल्फा, दिस इक्वल टू अल्फा बताना, वहां पे सेवन दिया था यहां पर ये दिया, देखिए आप कितने इजी क्वेश्चन, वेक्टर के इसमें इजी क्वेश्चन। ओके द फर्स्ट थ्री मूवमेंट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू आर 160। अब जैसे मूवमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था है ना, तो मूवमेंट आपने नहीं पढ़ा तो लीव कर दीजिए, आपके सिलेबस के बाहर की चीज थी, आउट ऑफ द सर्कल मान लीजिए, करना कैसे वो अलग बात है, स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है ये। तो मूवमेंट पे बेस्ड था क्वेश्चन, बताऊंगा आपको आगे। चलिए नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये भी आपने अभी करा था पेपर के साथ, टेन पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन टेन पावर टू एक्स प्लस, शायद बी था आंसर, अभी तो करा था आपने उस पेपर के साथ। अब याद रखना जब भी कोई पी बाय क्यू आए तो आपका स्कोर सबसे हाई होना चाहिए, क्योंकि पी वाई क्यू के सारे क्वेश्चन आप देख चुके हो टॉपिक वाइज में, बस जिन लेट पढ़ना स्टार्ट किया उनको छोड़ के। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायरिंग, तो फोर कॉमन इक्वल टू है ना, थोड़े से भी हो जाएगा, फोर इंटू वाई स्क्वायर माइनस टू वाई के बाद बचा फाइव बाय टू, ट्वेंटी फाइव बाय फोर ऐड किया तो अंदर ही अंदर ट्वेंटी फाइव बाय फोर सबट्रैक्ट करोगे तो माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस सिक्सटी सेवन,
फोर इंटू वाई माइनस फाइव बाय टू का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा तो इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67 प्लस 25, क्योंकि ये 4 इससे कैंसिल होगा, 25 उधर चला गया। तो बोलो 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x माइनस माइनस 42, और 4 का डिवाइड कर दीजिए। हाँ क्या बोला, y कांस्टेंट आएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म है, तो इसका फोकस होता है a कॉमा 0, तो y की वैल्यू 5 बाय 2 आना चाहिए। 5 बाय 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इतने पे आपने मुझे रोका, यही आपको अपने आप को रोकना है, मुझे नहीं रोकना आपको, आपको अपने आप को रोकना है। कहां पर, पेपर पे, इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं सही कर रहा हूं। डन, विच टर्म ऑफ द सीरीज रूट फाइव बाय थ्री, देखिए रूट फाइव बाय फोर, रूट फाइव बाय फाइव होगा, ये कैंसिल इसलिए ऐसा आ गया, तो रूट फाइव बाय बदला ऐसा भी दे सकते हैं। तो 13 से 13 तक के टर्म कितने, तो पहले दो छोड़ दो तो 11, 1 से 13 30 नंबर होते हैं, 1 2 नहीं, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसा मत कर देना। 13 माइनस 3 10, ये रखा हुआ, क्योंकि कई लोग जैसे मैं आपसे पूछूं हाथों में कितनी उंगली, आप बोलोगे 10, मैं कहूंगा नहीं 11 है, गिनो 10 9 8 7 6 और 5, 11 है ना, 10 9 8 7 6, 6 तक हो गए, और ये 5 कितनी हो गई, 11। तो वैसे ही आप 10 टर्म निकाल सकते हो। क्लियर बात, तो आप किसी से भी कॉन्फिडेंस के साथ शर्त लगा लो, वो कहेगा 10 उंगलियां होती, कहना नहीं मैं 11 गिना सकता हूँ, बोलेगा 10 होती है, देखो 10 है ना, तो 10 में से मैंने कम करी, 1 2 3 4 5, तो ऐसे नहीं करना, 10 9 8 7 6, ठीक है। तो अब कितनी हो गई है, 6 प्लस 5 कितने होते हैं, 11, वो समझे इसके पहले अगला क्वेश्चन पूछ लेना। चलो नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज एट अ रेस्ट एट द ओरिजिन मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है ये, मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा के साथ समझाऊंगा। नेक्स्ट, ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, एफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स मिले तो क्या ऑड, और एफ माइनस एक्स एफ एक्स मिले तो इवन, और दोनों ना मिले तो नाइदर इवन नॉर ऑड। ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। याद है ना ये क्वेश्चन, कितना माइनस 1 से 0 नहीं, हाँ यही है, वो यूनियन है तो इंक्लूड है 1। डन, नेक्स्ट, अ सर्वे इज डन अमंग अ पॉपुलेशन ऑफ 200 पीपल, ठीक है, हु लाइक ईदर टी और कॉफी, इट इज फॉर्म दैट 60% पॉपुलेशन लाइक टी, 72% पॉपुलेशन लाइक कॉफी, लेट एक्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी, ठीक है, एम लेस देन इक्वल टू एक्स लेस, तो मतलब मिनिमम और मैक्सिमम बताना है क्या हो सकता है। 60% टी लाइक कर रहे हैं, तो 60 मतलब 120 लाइक टी, 72 मतलब 144 लाइक कॉफी, दोनों को ऐड करना,
हाँ 264, तो 200 टोटल है, तो मिनिमम 64 तो होंगे ही होंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे? मिनिमम होगा 64 और मैक्सिमम बोलो 120, क्योंकि टी पीने वाले 120, हमें ये थोड़ी बोला बाकी क्या है, और 72 कॉफी, तो हो सकता है जो पूरे 60% है वो यहाँ, तो मैक्स ये हो गया, मिनिमा ये हो गया, और आपको मैक्स और मिनिमा का डिफरेंस बताना है, यानी 64 से लेके 120 इनका डिफरेंस देखना कितना आता है, 56, तो ये आ गया, है ना, मिनिमम मैक्सिमम का डिफरेंस बताना है। कोई कंफ्यूजन? और इस क्वेश्चन का आंसर आज भी कई बार करवाने के बाद भी लोग नाइदर इवन नॉर ऑड बोलते हैं, आप में से किसी तो नहीं लगाया, क्योंकि आपको पता ना इसमें करना क्या होता है, रैशलाइज करना था। हाँ, जब आप रैशलाइज करते हैं अंदर तो ये ऐसा हो जाता है, और जब रैशलाइज करते हो तो ये लॉग 1/ ऐसा बनता है, जिससे ये क्या होता है, ऑड फंक्शन। लॉग में ध्यान रखना आप, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। चलो नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको चाहिए 5 आ जाए, तो 5 जब आएगा, जब ये 3 हो जाए और ये क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो बताओ ये 3 कब होगा, 2 कब होगा, पाई बाई 4 पे, क्योंकि आप पाई बाई 4 रखोगे तो 1/2, पाई बाई 4 रखा तो ये पाई बाई 4 इसी में, देखो अब आप खुद सोचो, पाई बाई 2 रखते तो ये 0 हो जाता है ना, बाकी सब तो पाई बाई 3 वगैरह तो रूट वगैरह बताते। डन, बाकी करना कैसे, ऐसे 4 cos² x लिखिए, प्लस 4 sin² x प्लस 2 sin² x इक्वल टू 5, 4 कॉमन ले लो तो 1, 4 उधर चला गया तो 2 sin² x इक्वल टू 1, तो sin² x इक्वल टू 1/2, तो sin² x इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर, एंड दिस इज sin² पाई बाई 4, तो x इक्वल टू n π प्लस माइनस पाई बाई 4, यस और नो? ओके okay। मॉड एक्स कंटिन्यूअस की कोई दिक्कत ही नहीं है। द 10th एंड 50 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल का मतलब होता है, सब आपको ये पढ़ा हुआ था मैंने स्टेटिस्टिक्स में, मूवमेंट का कंसेप्ट कभी भी बता दूंगा, कुछ चीजें मैंने छोड़ी हुई हैं आखिरी तक के लिए भी, तो 50 मतलब मीडियन, तो आप इसको अरेंज करो पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो 23, 29, 32, 49 एंड, तो मीडियन तो 32 है, तो 32 कितने ऑप्शन में, ये दो खत्म, और कोई भी फिगर मिनिमम वैल्यू से कम नहीं हो सकता, चाहे 10th परसेंटाइल बोले हैं, जो जो भी डेटा निकालते हो उसी गिवन डेटा के अंदर आता है ना, कम ज्यादा थोड़ी होता है, चाहे मीन निकालो, चाहे मीडियन निकालो, चाहे मॉड निकालो, चाहे परसेंटाइल निकालो, कुछ भी, तो मिनिमम कितना है, तो 23, तो 21 हो नहीं सकता। अरे जो डेटा दिया उसी में तो बताओगे आप, मैं आपको 10 बच्चों का वो दूं हाइट और बोलूं इनकी मीडियन या कुछ बताओ, तो जो सबसे कम हाइट वाली उससे कम का कैसे बताओगे, उन्हीं में से कुछ बताओगे ना, समझ में आ गई बात, ये वही क्वेश्चन है। टेन परसेंटाइल का मतलब था बहुत ही स्टार्टिंग का पार्ट, डिसाइल 1, ये सब आपके नोट्स में आप देखना। ओके नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपको अभी लिमिट डेफिनेट का क्वेश्चन था, ये मैंने आपको याद हो उस पेपर में दिया था और आंसर निकाला भी था, शायद आपने डी बोला था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ये सर्कल के बाहर हो सकता है, कितने होगा सर्कल के बाहर, 3 4 मान लो,
मैं तो आपसे बोलता हूँ ना, पांच आप 10 की रेंज मान लो, पहली चिंता 40 की, जैसे 40 होंगे 40 के ऊपर बन जाएंगे, डिपेंड ऑन पेपर। और वो इसलिए बाहर है क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के वजह से आपके 4 क्वेश्चन कम हो सकते हैं। पर उस दिन करा था प्रूफ और डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन इज, एसेंट्रिसिटी 1/3 दी है, 1 ऑफ द डायस्ट्रिक्स, डायस्ट्रिक्स क्या होती है, ए बाय ई, दिस इज 9, तो ए इक्वल टू 9 और ई, तो ये हो गया 3, तो ए 3 है तो बी स्क्वायर होता है, तो बोलो 9 इंटू 1 माइनस 1 बाय, तो 8 आ गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, बोलो तो 8x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू, अब आप बोलो कि सर a क्यों नहीं, a भी तो हो सकता है, हाँ डायस्ट्रिक्स x दी हुई है, तो x से दी है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a बाय e से कंपेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब है x का डिनोमिनेटर ही बड़ा वाला माना जाएगा, बाय डिफॉल्ट केस नहीं है, इसको देख के डिसाइड किया गया है, यही अगर y लिखा होता ना तो आंसर ए होता, इसलिए ए आंसर दिया हुआ था। ओके ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा डीपीटी, टीडब्ल्यूपीटी, संडे टेस्ट, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू टेस्ट सब जगह आ चुका है। कुल 4-5 क्वेश्चन है जो सर्कल के बाहर के, जिसमें 2-1 क्वेश्चन है जो टाइम टेकिंग है, 2-3 क्वेश्चन हो सकता नहीं बने। अब आप खुद सोचिए कि आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। एजी पेपर में भी, बस एजी पेपर में ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप करना है, तब पेपर में सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, फॉर्मूला क्लियर रखिए। देखिए अब इसकी फोकाई और इसकी फोकाई का कंपेयर करना है, ये a है, वैसे तो देखो b, ये a स्क्वायर 25 है, तो b स्क्वायर की वैल्यू 25 से कम होनी चाहिए, कितने में, एक ही में, तो लगा दो, फिर भी करना तो करने के लिए कोई रोकेगा नहीं, और करना आता भी है आपको, अच्छी बात ही है, आता है ना, हाइपरबोला के साथ पढ़ाया भी था, उसकी डीप पी वाई क्यू में भी करा था। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम ईच ऑफ द वर्टिसेस ए बी सी इज द हॉरिजॉन्टल ऑफ ए, ओके देन द हाइट ऑफ द हिल, क्वेश्चन 3D बेस्ड है ये, ऐसा है एक ट्राइंगल पार्क है समझ लो, उसके ऊपर बीच में एक हिल है ना नीचे, तो उसके बेस के साथ देख रहे हैं, मतलब ये जो होगा ना सरकमफ्रेंस हो जाएगा कैपिटल आर, तो अभी इसको छोड़ दो, 3D बेस क्वेश्चन है, इसको अपन अभी लीव कर देते हैं, इसको भी आप सर्कल के बाहर डाल दो, जब हाइट एंड स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करेंगे जब समझाऊंगा, आप रिवर्स ऑर्डर में जो छोड़े वो आते हैं, ये तो कर लिया था याद रखना, आपको ये बता चुका था, अब ये सोचो आपको अगर पिछले पेपर के पहले बता दिया था तो इस संडे आपको इसका आंसर याद होना चाहिए था या आगे के लिए, तो ये क्वेश्चन सर्कल के बाहर कब था, जब 22 का पेपर था, अब नहीं, क्योंकि हो सकता आगे वाले समय में पेपर के अंदर आ जाए क्वेश्चन, अब जो छोड़े ये तो ये वाला क्वेश्चन वेलोसिटी के साथ पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली उसका भी पीवाईक्यू लूंगा तो समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें इंटीग्रल भी लगेगा थोड़ा, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था वो। है भी कि नहीं, हाँ ये चलिए।
ये सर्कल के बाहर का क्वेश्चन नहीं था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 3 पॉइंट कॉलिनियर एबीसी, 1 पॉइंट ए, 1 पॉइंट बी, 1 पॉइंट सी। मैं हमेशा एक चीज आपसे बोलता हूं, आप एंगल देख के लिखो। पहला एंगल 30, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट के क्लोज जाते हैं एंगल इंक्रीज होता है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, कभी मिस्टेक ही नहीं कि कौन सा पॉइंट कहां है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 3 पॉइंट हाइट एच मान लो, ये फिर बाकी देखते हैं। एबीसी फुट ऑफ टावर 30, द रेशियो ऑफ ए बी अपॉन बी सी पूछा है। ठीक, अब क्या करें, एक्स वाई और इसे क्या मान लें, जेड। तो आपसे पूछा क्या बताओ, एक्स अपॉन वाई। ठीक, अभी निकाल लेते हैं, करिए नोट करिए, जगह लगेगी इसलिए बीच में डायग्राम रफ करना पड़ेगा। आप लोगों से भी हो जाएगा, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करो, एच इन सबको लिखते चलना। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए साइन 30 लिखोगे तो साइन 30 कित, वो 10 30, 10 30 बोलो कितना, एच अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इससे इक्वेशन बनेगी 1/√3। तो √3h इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस, एक एक करके क्वेश्चन दे देंगे फिर बाद में, 10 45 एच अपॉन वाई प्लस जेड। तो आपको h की वैल्यू मिल गई, y प्लस जेड h की जगह रख के रिलेशन मिल जाएगा, अभी करते हैं। और फिर निकाला 10 60 एंड दिस इज h अपॉन जेड, ये हो गया √3z इक्वल टू एच। बस आपको इन तीन रिलेशन को सॉल्व करके आंसर देना है। हाँ कर देते हैं ना, ओके। अब आपके हाथ में कि आप कैसे इक्वेशन को सॉल्व, इतना नोट करो हो जाएगा वो जल्दी। सीधा सीधा वाई प्लस जेड की जगह रख दो कितना, एच। तो जैसे ही वाई प्लस जेड की जगह एच रखेंगे तो √3h इक्वल टू एक्स प्लस एच। तो बोलो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एच कॉमन ले लो तो √3 -1, ये एक्स आ गया जो आपको निकालना। वाई को भी एच के टर्म में निकाल लेंगे। अब बोलो हाँ, यहां डाल दो यहां पर एच, तो √3z इक्वल टू बोलो कितना, हाँ पर हाँ जेड की वैल्यू डाल दो, जेड इक्वल टू कितना, एच, बिल्कुल ठीक है √3। तो यहां वाई डायरेक्ट निकल जाएगा, तो एच माइनस एच वाई √3 इक्वल टू बोलो वाई, एच कॉमन तो √3 -1 अपॉन दिस इक्वल टू क्या, वाई। अब आपको पूछा क्या है, एक्स अपॉन वाई, तो एच √3 -1 अपॉन एच इंटू √3 -1 अपॉन √3। तो एच से एच कैंसिल, ये कैंसिल, तो √3:1 ही आ गया रेशो। ये बिल्कुल सर्कल के बाहर का क्वेश्चन नहीं था, बस पहली बार का नहीं था, इवन वो 3D वाला क्वेश्चन भी वो नहीं, पर थोड़ा उसका इमेजिनेशन लगेगा, ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए कोई बात नहीं, उसके उसकी चिंता नहीं है। डन, क्लियर, ये हो गया था, ये इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। हाँ वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें कि आपको पता हो कि राइट एंगल बना रहा है, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी लेके कर सकते हो। नहीं इसको अगर हम पूरा मेथड पे जाएंगे तो ऐसा होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना, कॉमन पॉइंट तो लगेंगे इसके लिए। ये एलिप्स है या हाइपरबोला, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो बताऊंगा मैं, एक बार देख लूंगा फिर बताऊंगा। अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो आपको बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ।
थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये हो गए थे, और कोई छूटा है? ठीक है ठीक। कौन सा? नहीं वो क्वेश्चन तो ऐसे होगा, बता रहा हूं, आंट वाला जो क्वेश्चन है वो होगा ऐसा ऐसा। ये क्वेश्चन कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0 0, इसका रेडियस है 5 यूनिट। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, देखो क्या दिया, सपोज दैट द टेम्परेचर एट द पॉइंट एक्स वाई ऑन अ मेटल प्लेट, टेम्परेचर की इक्वेशन दी है 4x² माइनस, इसको मैंने पहले करवाया हुआ और उसमें भी डाला हुआ है मैथ मस्ट। ठीक है, 4x² माइनस 4xy प्लस y² और एट आंट वॉकिंग ऑन प्लेट ट्रांसवर्सेस अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटर एट ओरिजिन, व्हाट इज द हाई टेम्परेचर एनकाउंटेड बाय द आंट। मतलब इसमें बताना है कि चीटी को, मतलब जो घूम रही है तवे के ऊपर गर्म, उसको कितना मैक्सिमम टेम्परेचर फील होगा। अब सुनो, इसको मैंने करवाया था तो इसमें आपको इक्वेशन ये x² प्लस y² इक्वल टू 25। तो x इक्वल टू 5 cos थीटा, y इक्वल टू 5 sin थीटा। x और y की वैल्यू ये यहां डाल दो अगर पूरा करना है तो 4 × बोलो 25 cos² थीटा माइनस 4 × 5 cos थीटा 5 sin थीटा प्लस 25 sin² थीटा। 25 कॉमन ले लीजिए तो 4 cos² थीटा 4 cos θ sin θ प्लस, ठीक है इसको लिख सकते हो आप 2 cos θ माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखना लिख सकते हैं कि नहीं, 4 cos² थीटा माइनस, ठीक है अब ये बन गया ऑब्जेक्ट फंक्शन। इसका मैक्स मिनिमा बताना है किस पर होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या वही करना है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि ये जो आया है 4 cos² थीटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी क्या होगी, क्योंकि व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर, तो किस एंगल पर हाईएस्ट होगा। तो अगर थीटा की जगह 0 रख देंगे तो कितना मिलेगा, 4, और अगर पाई बाई 2 रख देंगे, इसको देख लो ना, इसका मैक्सिमम मिनिमम बता दो कितना आएगा, इसका मैक्सिमम मिनिमम आएगा √4 + 1, तो √5, √5 का स्क्वायर कितना 5 × 25, तो 125। भाई आपके पास इक्वेशन बन गई 2 cos θ माइनस साइन थीटा, इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है √5, और इसका क्या है तो √5 का स्क्वायर 5 × 25 125। वो दो तीन क्वेश्चन छोड़े इसलिए कि टॉपिक नहीं पढ़ा, पर अब बात कर रहे थे जो ये करवा दिया मैंने। अब जैसे यही क्वेश्चन है, सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड, ये इंग्लिश पे बेस्ड है, तो जो इंग्लिश पे बेस्ड है वो आप लोग देखेंगे, जिनका इंग्लिश ठीक है वो कर लें, जिनका नहीं है वो कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग सब करते चल रहे हैं, दोबारा जो कर रहे हैं मैं मान के चल रहा हूं पहली बार पढ़ा रहा हूं, ABCDE। तो जैसे यहां पर H है, H के बाद क्या है जे, जे के बाद एक लेटर छोड़ के एल, एल के बाद एक लेटर छोड़ के एन, एन के बाद एक लेटर छोड़ के क्या आएगा पी। अब पी से स्टार्ट होने वाला एक ही वर्ड है तो आपने ही लगा दिया, तो काफी इजी सीरीज थी, पर ठीक है, एनालिसिस सारे पेपर का होना जरूरी है एक्चुअल का, जिससे आपको पता रहे कि क्यों इसमें स्कोर हाई गया था। इस पेपर का रीजन बहुत सिंपल था। अब देखिए यहां पर आपके मुंह से खुद ही निकलेगा, पेंट ब्रश सुई, तो कहां है सुई, सुई धागा। तो अब ये, अब आप इनके लिए कोई अलग से नहीं करना आपको, ये तो पढ़ते जाओ अपने आप बनते जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, दीपक राहुल मनोज एंड विनोद आर ब्रदर, हु इज द हैवीएस्ट। दीपक राहुल मनोज एंड विनोद आर ब्रदर, हु इज द हैवीएस्ट पूछा है। राहुल इज हैवियर देन दीपक एंड विनोद, राहुल जो है वो किससे हैवियर है, हु इज द हैवीएस्ट पूछा है, राइट,
हु इज द हैवीएस्ट, तो राहुल इज हैवियर देन, बोलो किससे, दीपक एंड राहुल किससे हैवियर है, दीपक एंड विनोद, बट लाइटर देन मनोज, मतलब मनोज इससे हैवी हो गया। चार लोगों में सबसे ज्यादा वेट किसका है, मनोज का है। दीपक इज, अब देखो ये स्टेटमेंट अपने आप में हो गया, दीपक इज लाइटर देन राहुल, दीपक इज, ये अलग स्टेटमेंट, दीपक इज लाइटर देन राहुल एंड मनोज, दीपक लाइटर है किससे, राहुल और मनोज थोड़ा हैवी हैं, और दीपक ये हो गया, बट हैवियर देन विनोद, विनोद इसके बाद आ गया। अब इसमें बोला है कि हु इज द हैवीएस्ट, तो इसमें तो पता हैवीएस्ट कौन है, इस स्टेटमेंट में क्लियर है, इस स्टेटमेंट में नॉट क्लियर। अब पढ़ो क्या लिखा, डेटा इज बोथ द स्टेटमेंट टूगेदर आर नॉट सफिशियंट, नहीं, स्टेटमेंट टू अलोंग इज सफिशियंट, नो, स्टेटमेंट वन इज अलोंग सफिशियंट बट स्टेटमेंट टू अलोंग नॉट सफिशियंट, तो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक स्टेटमेंट वन जो है वो अपने आप में कंप्लीट है ये बताने के लिए कि कौन हैवियर है, और दूसरा स्टेटमेंट की हेल्प से आप नहीं बता सकते। बहुत ही सिंपल इजी थी, काफी इजी था ये पेपर, और इसलिए मैंने बोला, पर क्या है कि एक्चुअल पेपर है, डिस्कशन होना इसलिए जरूरी है कि पेपर डिस्कशन से बहुत सारी बातें पता चलती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेल्ट लिक्विड फ्रीज सॉलिड, है ना, 122, मतलब इसकी देखिए तो क्वेश्चन क्या है, 22 22 22 22। अब आप बोल लो, अब ऐसे पेपर में 200 नहीं लाओगे तो कुछ बच्चे तो ले आएंगे, तो हमारी फाइट वहां हो जाती, इसलिए टफ पेपर में इतनी दिक्कत नहीं जितनी इजी में। चलिए, टुडे इज वेनसडे, व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 61 डेज, तो सिंपल है, 61 डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 7 कर दीजिए, तो 5 रिमाइंडर आया, रिमाइंडर जो आता है वो बताता है, 5 रिमाइंडर है, और ट्यूजडे क्या है, वेनसडे, तो वेनसडे के 5 दिन बाद क्या होगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, आंसर इज मंडे। डन, ये भी वैसे ही है, जे के एल एम, एम के बाद क्या एन, ना एन कितने में, ठीक, मतलब ये पेपर तो ऐसा 10th के बच्चे को दे दोगे तो कहेगा ये सही में आपका पेपर है, आपके चेहरे पे देखेगा और चार बार घूरेगा। डी एफ एच एल, बोलो, टी ई एफ एक छोड़ के, एफ ई जी एच आई जे के एल, एक एक करके बढ़ता जा रहा है, तो अब उसका चार छोड़ दो, बोलो क्या आ जाएगा, जे डब्ल्यू डब्ल्यू, बताना तो नहीं है, देखते चलो फटाफट हो जाएगा, क्लास भी जल्दी। अब इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है, अब इसके स्क्वायर में अभी काउंट करवाऊंगा, इसमें काउंट ही करना है और इसमें ज्यादा उलझना नहीं है, ठीक है, तो काउंट अभी थोड़ी देर में रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, ये इंग्लिश में बेस्ड है तो आप देख लीजिएगा। चलो, ये लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, मनु सेट हर मदर, इसमें एक दिक्कत है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कैंसिल हो गया था तो मैंने चेंज नहीं किया, यहां क्या लिखा है मैन और यहां क्या लिखा है हर मदर, तो दोनों में जेंडर चेंज है इसलिए क्वेश्चन कैंसिल हो गया था बाद में, आप भी कर दें आदमी को बाद, फिर उसको वो वुमेन से रिलेट कर रही थी इसलिए क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, राइट। नेक्स्ट, सिक्स इलेवन ट्वेंटी वन थर्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स, बोलो, फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव, यस और नो, ये उस साल का वो पेपर था जो रीजनिंग भी आधे घंटे में हो जाए, ऐसा पेपर था, मैथ्स तो था ही पर रीजनिंग भी था। देखिए क्या,
UVW X एंड TR सिटिंग ऑन अ बेंच, सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बी सिटिंग नेक्स्ट टू W, W इज नॉट सिटिंग विथ X, हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, बी इज द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, टी इज टू द राइट ऑफ यू एंड X इज द बी सिटिंग, ठीक है, विथ पोजिशन ऑफ सीट इज सिटिंग, हो गया, कर लें, ठीक है। यू वी डब्ल्यू, पहले कितने लोग हैं, यू बी डब्ल्यू एक्स एंड टी ऑन अ बेंच, टी सिटिंग नेक्स्ट टू, टी किसके बाद है, टी सिटिंग नेक्स्ट टू यू, तो यू के नेक्स्ट में टी है। वी सिटिंग नेक्स्ट टू, तो वी इज सिटिंग नेक्स्ट टू, तो अभी हम लिख लें ऐसा, बाकी देखते हैं। डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग विथ, डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग विथ एक्स इज ऑन द लेफ्ट हॉर्न, तो लेफ्ट हॉर्न मतलब यहां, तो डब्ल्यू यहां ले, नहीं क्या ले लू, एक्स यहां ले लू, डब्ल्यू भी यहां ले लू, ठीक है। अभी पढ़ते हैं, बी इज द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, तो यहां ले लेते हैं ये बी डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। टी इज टू द राइट ऑफ यू, टी जो है वो यू के राइट में, वो भी सही है, एंड टी इज राइट ऑफ यू एंड एक्स, ठीक है। टी एंड बी आर सिटिंग टूगेदर, टी एंड बी सिटिंग टूगेदर, इन विच पोजिशन टी सिटिंग, तो यू एंड बी के बीच, क्लियर। थोड़े से भी ये कुछ पेपर बन जाएगा, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं, सोचा एक क्लास नहीं भी लेता तो चलता, पर एनीवे बोलिए। इन अ सर्टन लैंग्वेज कोलकाता इज कोडेड एज, ठीक है, के ओ एल के ओ टी ए, एल पी एम, एल पी एम, एल पी यू बी, ए के बाद बी, टी यू ओ पी के एल एल एम ओ पी, हो गया, तो बताओ क्या हो जाएगा। हाँ हाँ आई जे ए हो जाएगा, कोई भी एक देख लो आखिरी वाला, आई जे, नहीं यहाँ ए का बी होना चाहिए, यस और नो, मतलब काफी ज्यादा इजी दे दी थी, मतलब लॉलीपॉप था ये पेपर ओवरऑल। नेक्स्ट, बटरफ्लाई को किसके लिए बोला जाता है, फ्रीडम के लिए हम बोलते हैं ना बटरफ्लाई जैसे, तो वैसे ही हॉर्स को स्पीड के लिए, अरे हॉर्स किसके लिए होता है, आपको देखा ना गाड़ियों के लिए हॉर्स पावर बोलते हैं हम, तो हॉर्स इज स्पीड, नहीं सी होगा, सी होगा, करेक्शन होगा, हॉर्स स्पीड, और मैंने शायद मुझे याद है पहले भी यही बताया था, हॉर्स और स्पीड, वो गलत दे दिया, करेक्शन करवा दूंगा, करेक्शन करवा दूंगा। मतलब वो सिंबॉलिकली है ये, एक्चुअल में समझो, आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड कि यार फ्रीडम बटरफ्लाई की तरह फ्रीडम रहो, है ना, तो वैसे ही हॉर्स को स्पीड के साथ, बाकी तो सब के सब करेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई गलत है, पर जिस सेंस में बोला गया है बटरफ्लाई फ्रीडम, उस सेंस में ही हॉर्स और स्पीड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट लॉइन एलिफेंट एंड एनिमल, पहले तो एनिमल जनरल बात हो गई, और एनिमल के अंदर ही लॉइन और, तो ए हो सकता है, यस और नो, अब इसमें बस इस पेपर में ऐसा था, जो इंग्लिश वाले तीन चार थे, जिनका इंग्लिश वीक है मान लो, या जिनको नहीं पता वो छोड़ दो, तो बाकी हर क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता था, पजल एक भी नहीं आई थी, क्वांट बिल्कुल नहीं थी, और क्वांट जिस साल आई भी है बहुत ही नॉमिनल आई, इसलिए क्वांट के चक्कर में अपना पेपर मत बिगाड़ लेना, ये भी इंग्लिश पे बेस्ड है। बोलो, ऑड वन बताना है, ड्राइविंग, बाकी सब स्विमिंग से रिलेटेड है, ड्राइविंग रोड से रिलेटेड है। नेक्स्ट,
करिए। नो वुमेन टीचर प्ले, नो वुमेन टीचर प्ले, जो वुमेन टीचर है, नो वुमेन टीचर, नो वुमेन टीचर प्ले, सम वुमेन टीचर आर, नो वुमेन टीचर प्ले, सम वुमेन टीचर आर, सम वुमेन टीचर आर एथलीट। ठीक है, अब मेल एथलीट कैन प्ले, हमें पता नहीं, कुछ बोला नहीं गया, तो इसके बारे में कंक्लूजन पता नहीं। सम एथलीट कैन प्ले, इस पे भी नहीं पता, तो क्या बोलोगे? नाइदर वन नॉर टू, कुछ भी नहीं पता हमें। जिसमें पता नहीं हो, डाउटफुल कंडीशन हो, उसको छोड़ देते हैं। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप सोच लीजिए 10-15 मिनट भी नहीं लगे, 15 मिनट भी नहीं लगे। डन। ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर्स, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर। ठीक है, गोल्डन इन कलर, ठीक है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, जो भी गोल्डन कलर की चीजें होती है वो नॉर्मली चीप नहीं होती। नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, तो ऑल मैंगो आर चीप, नो, क्योंकि गोल्डन मैंगो तो चीप नहीं होंगे, तो ये गलत है। गोल्डन कलर मैंगो आर नॉट चीप, सही है, तो क्या बोलोगे? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। कोई कंफ्यूजन? ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं वो क्या है? ओपन माइंडेड है। ओपन माइंडेड, नो ओपन माइंडेड मैन आर, जो ओपन माइंडेड मैन नहीं है वो क्या है? ठीक है, तो नो साइंटिस्ट आर सुपरस्टिशियस, कुछ बिल्कुल कुछ भी सही नहीं है ये स्टेटमेंट। नो यंग पीपल आर, इस पे भी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं उसके बारे में, तो क्या बोलोगे? बी, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट, करिए। सिक्स बुक्स आर लेवल्ड, सिक्स बुक आर लेवल्ड, ए बी सी डी ई एंड एफ आर प्लेस साइड बाय साइड। ठीक है, बुक बी सी ई एफ हैव ग्रीन कवर वाइल अदर येलो कवर, बुक ए बी सी डी आर न्यू वाइल द रेस्ट आर ओल्ड, बुक ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट वाइल द रेस्ट आर, बीस बुक आर मेडिकल एक्सट्रा हैव द ग्रीन कवर। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। देखो आपके पास क्या क्या दिया, पहले बताओ। ए बी सी डी ई एंड एफ, आप ले साइड बाय साइड, बुक बी सी डी ई हैव ग्रीन, कौन कौन सी ग्रीन है? ये ग्रीन है, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी, रिमेनिंग कौन सी है? और येलो है ना ये, ठीक है, एंड अदर हैव येलो। बुक ए बी सी डी आर न्यू, कौन कौन सी न्यू है? ए बी डी, ये न्यू है, बाकी ओल्ड। फिर क्या बोला है? ए बी सी आर लॉ, ये लॉ वाली है, ये लॉ वाली है, रिपोर्ट रेस्ट आर मेडिकल। अब पूछा गया विच टू बुक्स आर ओल्ड मेडिकल, ओल्ड भी है और ई और एफ, ई और एफ,
कोई कंफ्यूजन? थर्टी माइनस फाइव माइनस 45 माइनस 90 माइनस 145 माइनस 195 माइनस 255, इन दोनों का डिफरेंस माइनस 35, इन दोनों का माइनस 40, इन दोनों का इनका माइनस 55 होना चाहिए पर नहीं है, तो कौन सा गलत है? 195 नहीं इसमें, हाँ 145 गलत है ना, ये 140 होना चाहिए था तो ये 195 सही था, तो 145 गलत है, याद रखना, माइनस 145 इज रॉन्ग। बोलो, थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन, हाँ इलेवन होना चाहिए, फिर 13, फिर 15, तो ये होना चाहिए था 37 प्लस, है ना, तो ये 38 इज रॉन्ग। मतलब इतनी बेस लेवल का पेपर था ये, और सारी प्रॉब्लम आप समझ रहे हो 23 में क्या हुई थी, बताओ। 23 के पेपर की टफ की नहीं थी, था ही नहीं 23 का पेपर टफ। 23 का पेपर टफ होता तो मानता मैं, प्रॉब्लम क्या थी बताओ। 22 के माइंड सेट से गए थे, 22 का टू टू इजी था, मतलब कोई डाउट ही नहीं कि नहीं था इजी। और दो दो चीजें हो गई, पहले तो 22 के माइंड सेट से गए और 22 के कट ऑफ को 23 में कंसीडर कर लिया, कि जब 22 में 550 में नहीं मिला तो 23 में कैसे मिलेगा, तो जिनके 400 450 हो रहे थे उन्हें तुक्के मारने चालू कर दिए रहेगा, जबकि 375 पे मिल गया एनआईटी, 400 मिल गया, 450 पे तो ऊपर के एनआईटी मिल गए। तो आपका माइंडसेट ही गलत है कि कोई माइंडसेट करके जाना है, तो पूरी प्रॉब्लम इसलिए हुई। इसलिए 23 में जब बच्चे निकले तो शॉक में निकले, क्योंकि दिमाग में 22 था। अब आप आगे के लिए दिक्कत नहीं होगी, अब किसी साल ऐसा पेपर फिर आ गया तो उसके नेक्स्ट ईयर यही होगा जो 23 में हुआ, जब भी ऐसा आ जाएगा ये होगा, क्योंकि दिमाग वही लेके चलेगा। मतलब आप बताओ ना, मैं कितने में, मतलब मैं अब ध्यान नहीं, वो तो जितने दिन पहले भी करवाया, पर इतना कम टाइम लगेगा ये भी ध्यान नहीं, कितनी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन, कहीं कोई उलझ नहीं रहा है, वो आप कंफर्टेबल जोन में कर रहे हो। मैथ्स में भी यही था। चलिए 2 मिनट बाद आते हैं इसमें। मेनी शॉप इन अ लोकल मार्केट हैव एक्सटेंडेड देयर शॉप आर ऑक्यूपाई मोस्ट पार्ट ऑफ द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द, जनरल क्वेश्चन है। आपने देखा कई शॉप वाले अपनी दुकान के आगे की जो जगह होती है उन पे अप्रोच कर लेते हैं, अक्रोच कर लेते हैं ना, तो अब उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कॉस ऑफ एक्शन, द सिविक अथॉरिटी शुड इमीडिएटली एक्टिव अ टास्क फोर्स टू क्लियर ऑल द फुटपाथ इंक्लोज्ड बाय द शॉप ओनर। बात ठीक लग रही है, द सिविक अथॉरिटी शुड चार्ज हैवी पेनाल्टी टू द शॉप ऑनर टू ऑक्यूपाइंग द फुटपाथ, ये भी सही है। द सिविक अथॉरिटी शुड सेटअप अ क्या मॉनिटरिंग सिस्टम टू इनक्रोचमेंट डू नॉट, ये भी सही है। तो क्या बोलोगे? ऑल थ्री आर फॉलोस, ऑल थ्री आर फॉलोस। नेक्स्ट, देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन अ नंबर ऑफ पेशेंट अफेक्टेड बाय सम डिसीज इन अ सिटी। क्या होगा? देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट अफेक्टेड बाय सम डिसीज इन सिटीज। पहला, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी शुड टेक इमीडिएटली एक्शन, बिल्कुल सही है, एक्शन लेना चाहिए। द प्रॉब्लम शुड बी राइज इन यूनेस्को, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? हॉस्पिटल इन द सिटी शुड बी इक्विपाइड और वो प्रॉपरली द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, कौन सा बोलोगे? वन तो सही है, ओनली थ्री नहीं बोल सकते, हाँ थर्ड भी सही है। अब यूनेस्को में क्यों करना, छोटा सही तो बात है। द देयर सिग्निफिकेंट इंक्रीज नंबर ऑफ पेशेंट अफेक्टेड सम डिसीजेज इन सिटीज, एक सिटी की बात कर रहे हो तो क्या बोलोगे?
1-3, पर इसमें फिर भी कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है, कभी कभी उलझ सकते हो इन क्वेश्चन। कई बच्चे बोलते सर इसमें बड़ी दिक्कत आती, इसमें दिक्कत नहीं आती, ये बन गया तो बन गया, नहीं बना तो नहीं बना, इसकी कोई प्रैक्टिस का रूल नहीं है। जनरल कॉमन सेंस, दिस इज कॉल्ड कॉमन सेंस क्वेश्चन या जनरल क्वेश्चन। फाइव ड्रीम्स, अच्छा ये पैसे से अभी 2 मिनट बाद आते हैं। अब पर्सन प्रेजेंट इज, एक पर्सन की प्रेजेंट एज क्या दी है बोलो, 2/5 एज ऑफ हिज मदर आफ्टर 8 ईयर, ठीक है, 1/2 मदर 8, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। दो तरीके, ऑप्शन से कर लो या इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अगर आप 40 मानते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो 40 प्रेजेंट एज मानते हो, तो सन की एज होना चाहिए कितनी, 20 आधी होगी, 8 साल बाद, क्या बोला है? अच्छा व्हाट इज द, हाँ 8 साल बाद ये 48, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 24। अरे 8 साल बाद ये 48 की होगी तो सन 24 का होना चाहिए, तो अभी कितना होना चाहिए इसका, 2/5 देखो 16, तो सही है। और इतना उलझने जो थी, पी की वैल्यू डाल दो ना, डन। रनिंग एट द सेम कॉन्स्टेंट रेट 6 आइडेंटिटिकल मशीन कैन बी प्रोड्यूस 270 बोटल पर मिनट। 6 आइडेंटिटिकल मशीन है जो कितनी बोतल, 270 बोतल पर मिनट, यानी एक मशीन कितना, 270/6, तो 6 4 and 3 45 बोतल पर मिनट बना रही है, ठीक है। एट दिस रेट हाउ मेनी बोतल कुड 10 सच मशीन प्रोड्यूस इन 4 मिनट। तो पहले बताओ 10 मशीन है, तो 10 मशीन, एक मशीन 1 मिनट में 45, तो 10 मशीन और ऐसे 4 मिनट मिल रहे हैं, तो कितने। मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन, इसके लिए पूरी काउंट पर डाली बच्चों ने। डन, एट वॉट टाइम इन अ मिनट बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock होगा, बोथ द नीडल विल कोइंसाइड, 3 से 4 के बीच में कब दोनों मिलती है, 3 से 4 के बीच में, ये 4 है तो 3 से 4 के बीच में ऐसे मिलेंगी वो, तो इसके लिए एक फार्मूला, थीटा इक्वल टू 60h - 11m/2, 0 हो गया ये, 60 × 3 - 11 × m बाय 2, तो 180 इक्वल टू 11m, देन m इक्वल टू 180 अपॉन 11, 1 जा 11, 60 पॉइंट समथिंग, तो एक ही है 16 में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट था, पहले भी करा था, अभी 19 में आया था ना सर, किसी पेपर में था। द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाय 1657 एंड 2037 लीव रिमाइंडर, मान लो इसमें किसी नंबर का डिवाइड करने पे रिमाइंडर इसमें मिलता 6, तो मैंने बताया था 6 माइनस कर दो, 1657 - 6, तो कितना, 1651, और 2037 - 5 बोलो 32, ये सुनो, तो 1651 डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर नंबर 20 कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड, तो दोनों को सेपरेट कर दो, 2032 and 1651 बोलो 183, 381 मतलब, यस और नो। नेक्स्ट, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, ए जो है बी का क्या है, ब्रदर है, बी क्या है वो छोड़ दो, सी इज फादर ऑफ ए, तो इनका दोनों का ही होगा फादर, सी इज फादर ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ठीक है, ई इज, ई इज डॉटर ऑफ, ई जो है वो डॉटर है किसकी, बी की, ये हो गई, ये डॉटर हो गई, ई इज डॉटर ऑफ बी, देन अंकल ऑफ डी, तो डी के अंकल कौन होंगे,
ए होंगे। ये खत्म, जो छोड़े वो भी कर रहे हैं, जो छोड़े वो करते हैं। 30 मिनट में पूरा पेपर, इतना पेपर डिस्कस हो गया, सोच लीजिए। और इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई 23 के पेपर में, और अब तक भी लोग 23 का पेपर समझ नहीं पा रहे। आज भी जो नए बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, सर वो आरडी के ऑब्जेक्टिव नहीं की तो कैसे होगा। मैं पूछता हूँ 23 का पेपर दोबारा दिया? बोलते नहीं दिया, देखा नहीं देखा, हिम्मत ही नहीं हो रही। आपको दिखा दिया मैंने अच्छे से, ये डिवीजन का बड़ा सिंपल लॉजिक है। 1657 में रिमाइंडर, ये 6 मिल रहा है, कोई एक नंबर का डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर मतलब एक्स्ट्रा चीज, ये माइनस करा तो 1651, इससे ये एक्स नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 2037 में कोई नंबर का डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर मिल रहा है, तो 5 सबट्रैक्ट करने पे ये, अब ये नंबर से ये भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो इन दोनों का डिफरेंस भी होगा, तो डिफरेंस निकाल लीजिए जल्दी होगा, नहीं तो इसको भी कर सकते हो ऑप्शन से। ऑप्शन से बड़ा सिंपल है, जैसे इसको ऐड करो, 7 प्लस 1 8, और 8 प्लस 5 कितना, 13। तो अब आप देख लो, जैसे ये नंबर 13 मतलब 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा है, 7 2 9 1 10, पर ये जैसे हो रहा है 3 से डिवाइड, तो ये नहीं हो सकता, ऐसे देख सकते हो। चलो अब जरा देखते हैं, करिए। ये क्वेश्चन डाउटफुल था पेपर में, तो इसलिए इस क्वेश्चन को गलत कंसीडर किया। अच्छा एक बात याद रखिए, जो एक्चुअल पेपर होते हैं उनके आंसर हम लोग चेंज नहीं करते, ना उनकी मिस्टेक चेंज करते हैं, इसलिए कि आपको भी आदत होना चाहिए। कई बच्चों को लगता है कि सर पेपर में हर बार, हर पेपर में 2 3 गलत हो जाते हैं, उससे हमारा बहुत डिस्टर्बेंस होता है, ये एक्चुअल पेपर में ही होती है गलतियां। उसके बाद भी ऐसा नहीं था, इजी पेपर था तो सबके नंबर बहुत आए थे, 700 के ऊपर बहुत थोड़े से लोग थे, क्योंकि एक रेंज होती है, एक के बाद एकदम रेंज कम हो जाती है। इस पेपर में भी 650 वाले नंबर को सूरतकल मिल गया था, जबकि ये पेपर ऐसा था जिसमें मैथ्स पे 550 और एलआर में 200 नंबर आराम से कमाए जा सकते थे, यानी 750 नंबर कमाए जा सकते थे इस पेपर में, और कंप्यूटर इंग्लिश और कर लो तो 800 850। चलो रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 5 ड्रामा ए बी सी डी एंड ई हैव टू बी स्टेज इन 6 वर, 1 आवर नीड पर ड्रामा, है ना। इसको क्या करेंगे देखिए, आप ब्रेक अप 1 और सेकंड थर्ड और फोर्थ आर, या तो थर्ड आर में या फोर्थ आर में ब्रेक ले रहे हैं, तो हम बना लेते हैं, 2 केसेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड बोलो 6। एक केस ये होगा, एक होगा ए मतलब 1 2 3 4 5 और 6। या तो ब्रेक कब ले रहे हो आप? अब ब्रेक इज 1 आवर टू बी टेकन, या तो थर्ड में या फिर फोर्थ में। अब जो जो बोला पढ़ो, ड्रामा शो कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ ए एंड कैन नॉट बी एंड विथ सी। ना ए से स्टार्ट होगा ना सी पर एंड होगा, तो ए और सी को हमें ध्यान रखना है। सी आगे आ सकता है, ए पीछे आ सकता है, पर ए से बाद में लिखवाना। डी हैज टू फॉलो इज बी, डी हैज टू फॉलो बी इमीजिएटली विथ नो ब्रेक इन बिटवीन, तो डी कहां आ सकता है, डी भी ऐसा भी हो सकता है, और यहां पे भी हो सकता है, डी भी यहां पे भी हो सकता है, और यहां पे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, और क्या हो सकता है, ये केस हुआ तो डी भी यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। ठीक, फिर बोला है, अब ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, डी हैज फॉलोज बी इमीडिएटली विद नो ब्रेक इन बिटवीन, ए कैन नॉट बी डन,
इमीडिएटली आफ्टर डी, ए जो है वो ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, तो इसका मतलब है ए कहां नहीं आएगा, डी के बाद नहीं आएगा, तो इसका मतलब ए यहां आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, हाँ ए यहां पे भी आ सकता है, और कहां आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, ठीक है। ए हैज टू प्रोसीड ई इमीडिएटली विथ नो ब्रेक इन बिटवीन, ए के बाद क्या आएगा, ई से पहले ए के बाद ई आएगा, तो ए के बाद ई आएगा, तो ए और ई ऐसा होगा, एक ये कंडीशन बनती है, यहां नहीं आएगा ए, और एक और क्या बनती है, अगर डी भी यहां है तो ए यहां हो सकता है। अब बाकी क्वेश्चन पढ़ के हम समझेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़े बिना नहीं समझ सकते। पहले पढ़ो क्वेश्चन क्या, फिर देखते हैं इसमें क्या। अच्छा ये इसमें लिखा है डी हैज फॉलोज बी इमीडिएटली, मतलब बी डी होना चाहिए था, मैंने डी भी लिख, डी हैज फॉलोज बी इमीडिएटली, तो अभी आप इसमें उलझे ना, अभी पहले पढ़ो। पहले तो लिखा विच आर इज ब्रेक आर, पहले तो बताओ विच आर इज ब्रेक आर बोला है, तो वो तो क्वेश्चन में ही दिया था, ब्रेक आर कब कब है, थर्ड और फोर्थ, तो इन दोनों ऑप्शन को ही एग्जाम में कंसीडर किया गया था, इन दोनों ऑप्शन को ही एग्जाम में कंसीडर किया गया था, फिर विच इज ड्रामा टू स्टेज फर्स्ट, सबसे पहले कौन आ सकता है, डी तो आएगा नहीं, बी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, बी डी होगा, डी नहीं आएगा, ए स्टार्ट कर नहीं सकता और डी बाद में आएगा, तो कौन सा आएगा, बी, यही दिया होगा आंसर, देखना, हाँ बी सही है, देख फिर अगला क्या है, विच इज ड्रामा स्टेज इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद हम कुछ कह नहीं सकते, नहीं ब्रेक, देखो डी भी तो नहीं आएगा, ठीक है, ब्रेक के बाद बी हो सकता है और ब्रेक के बाद ए भी हो सकता है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो क्या, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, 33 का नन ऑफ दीज है ना, फिर उसके बाद है विच स्टेज इमीडिएटली आफ्टर डी, डी के बाद बोलो, डी के बाद, अब बी डी, ए भी आ सकता है और डी के बाद ब्रेक भी तो हो सकता है, सी भी आ सकता है, तो क्या बोलोगे, नन ऑफ दिस, जब श्योर ही नहीं है तो नन ऑफ दिस, वही दिया आंसर भी वही दिया, विच ऑफ विच ड्रामा इज स्टेज इमीडिएटली आफ्टर ई, ई एंड में भी हो सकता है, ई के बाद कौन सा होगा बताओ, भाई ई लास्ट में हो सकता है कि नहीं, तो क्या बोलोगे, नन ऑफ दिस, यही आंसर थे इसके, खास बात थी कंफ्यूजिंग पजल्स थी, इसमें लोगों ने टाइम भी वेस्ट किया, पर ये क्वेश्चन के हिसाब से बनी हुई, इसमें सारे को न बनाना नहीं था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना था, समझ में आ गया, क्योंकि ई के बाद तो कोई नहीं है, अगर ई यहां आया तो, और जब कोई नहीं है तो फिर इमीडिएटली बोला है तो नन ऑफ दिस नहीं हुई थी, उन्होंने ऑप्शन नन दिया था, नन जिसका ऑप्शन होता है वो कभी रिजेक्ट नहीं होती, और इसमें डाउटफुल था तो इन्होंने दोनों ऑप्शन ले लिए, इस पेपर में कई बच्चों ने मुझे भेजा सर मॉक फोर में बहुत गलतियां हैं, आप गलतियां बहुत देते हो, मैंने कहा मैं गलतियां नहीं देता, निमसेट वालों ने दी थी, जो दी थी वही पेपर दे दिया उठा के, क्लियर, जो उनने दिया है वही पेपर दूंगा ना मैं आपको, एक्चुअल पेपर में थोड़ी कोई एडिशन करूंगा। नेक्स्ट, ये भी सिंपल था क्या, देखो आर्ट्स में टोटल 3800 स्टूडेंट हैं और कॉमर्स में कितने हैं, 4200, अब क्या क्या बोला है पढ़ो, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन इज दिस दिस,
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड जी टूगेदर? ए एंड जी में कितने हैं पहले बताओ, 15% और 12%, तो टोटल हो गए 27%। तो 3800 का कितना निकाल दो, 27%, तो 7 8 56, तो 6 आएगा ही आएगा, बोलो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 27 to 38, बचपन में किया हुआ कभी, करो अभी, फिर कितना 10, भैया वो पजल्स को लेके क्लियर रहो, वो डाउटफुल केस होते हैं, जब कंफर्म नहीं होता तो उसको वैसे ही आंसर देना पड़ता है। इस वाली पजल्स में भाई सारे कॉम्बिनेशन है, इसलिए नन आंसर लिए गए, जहां पर कॉम्बिनेशन होते हैं वहां पर आप श्योर नहीं बोल सकते, केवल एक जगह थी श्योर की, बी, इसलिए यहां पर आंसर बी दिया, और इसमें थर्ड फोर्थ, इसके अलावा सब डाउटफुल केस थे, ये सब डाउटफुल है, इसलिए इनके तीनों के आंसर नन ही लिए थे एग्जाम में। डन, फिर पढ़िए, हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी स्टडी आर्ट्स एंड कॉमर्स? हाउ मेनी स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, ठीक है, बी यहां पर 8% है, यहां पे 17% है, तो पर यहां पर 8% किसका, 3800 का 8% प्लस बोलो 4200 का 17%, सॉल्व कर लीजिए, पाई चार्ट आ गया, कई निकलते हुए आए थे, पाई चार्ट आ गया, समझ में नहीं आया क्या करें, इतना मतलब एक कॉमन सेंस होता है ग्रेजुएट बच्चों से जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको क्वेश्चन से देख के समझना है। बोलिए कितना, हाँ 10 18, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग आर्ट्स टू दैट स्टेइंग कॉमर्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग आर्ट्स टू दैट, ई में बताना रेशियो, वही सेम क्वेश्चन है, यहां पे प्लस करा था, रेशियो बताना किसका, ई का है ये, इसमें 14% किसका, 3800 का 14% अपॉन 100 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, इसका बताना 4200 का 18%, ये 20 कंप्लीट कैंसिल, 38 × 14 अपॉन 42 × 18, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 टाइम ये 9 और 7 6 जा, और 2 से ये 19 टाइम ये 3, तो 19 किस में, एक 19/27 था ना, सिंपल पाई चार्ट वाला, मतलब क्वेश्चन टफ थे ही नहीं ना, और फिर भी नहीं देख पाओ तो दिक्कत है। डन हो गया, अब तो कोई छूटे ही नहीं थे, क्या, हाँ स्क्वायर वाला भी करवा देते, अब लगे हाथ, टाइम ही इतना था, पेपर में बैठ के काउंट करना चाहिए था आपको, नहीं मजाक नहीं, इसमें टाइम था, वैसे इस तरह के क्वेश्चन के लिए कई बच्चों ने बहुत ज्यादा आरएनडी की, बिल्कुल मत करना, गिन पाओ तो ठीक, नहीं तो नहीं करो, गिनो, चलो गिनो गिनो, मैं गिनवा रहा हूं।
करिए जरा काउंट कितने स्क्वायर आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो 100% 18-20 रिजेक्ट होता दिख गया। तो इसमें बस करना इतना था कि फिर देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 8 के बाद 9, 10 एंड दिस इज 11। तो 11 ये हो गए। फिर कौन कौन से गिने थे? 11 के बाद ये वाला 12, 12 के बाद ये वाला 13 और ये 14, प्लस फिर ये चार चार थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। एक और कहां गया अपना? है पूरे हो गए ना? हाँ 24। ओके तो आप लोग बहुत ध्यान रखिए कि जितने भी मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा, उस पीवाईक्यू में जो आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है उसको पढ़ने की जगह उसको समझना ज्यादा जरूरी है, और समझ के अगर उस तरह का क्वेश्चन आए तो हैंडल कैसे करना है ये सीखना जरूरी है। और अगर आप निम सेट का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब है आप इंडिया का कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो पेपर कंप्लीट।